लाइफ ओके. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो हाउ आर यू ऑल? फाइन. ब्रेकफास्ट खाया है कि नहीं खाया है? नहीं खाया है. ऑल राइट. नाउ लेट अस हैव स्टार्ट विद द लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग योर फाउंडेशन एंड हियर इज द स्टार्ट टू योर सीए इंटरमीडिएट जर्नी, है ना. सो heartiest congratulations. And now the CA intermediate journey starts and it is going to be slightly different than the foundation journey. तो थोड़ा level बढ़ना चाहिए कि नहीं यहाँ पे? अभी CA intermediate है तो obviously the level has to be a little higher up, correct? Yes. So what do you know about this? थोड़ा सा brief आपको पता है. आपकी group 1 की classes होंगी अभी, right? So a very very good morning to my students who are watching me on YouTube, my live streaming students, a very very good morning to you all. नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रुप वन की जो क्लासेस है वो आज से स्टार्ट होके इट इज़ गोनो गो ऑन फॉर 3.5 मंथ्स. एंड 3.5 मंथ्स ग्रुप वन की क्लासेस जैसे ही खत्म होती है इमीडिएटली एक हाथ दिन का ब्रेक मिलेगा, या तो इमीडिएटली वी स्टार्ट विथ दो दिन का ब्रेक मिलता है कभी कभी, तो देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप टू की क्लासेस. ग्रुप टू क्लासेस गो ऑन फॉर 2.5 मंथ्स. सो 3.5 प्लस 2.5. गुरुकुल स्टूडेंट्स इन द बस प्लीज डू कीप वॉचिंग मी. येस गुरुकुल स्टूडेंट्स आप प्लीज लेक्चर यूट्यूब पे देखिए. वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू. ज्वाइन इन फास्ट. एटलीस्ट द लिंक इज शेयर्ड सो यू गाइज कैन वॉच द लेक्चर फ्रॉम देयर. नाउ हियर 3.5 मंथ्स ऑफ ग्रुप वन एंड देन वी आर गोना हैव 2.5 मंथ्स ऑफ ग्रुप टू. एंड देन दिस टाइम हाउ मच टाइम विल यू हैव फॉर योर स्टडी लीव? पी एल के लिए कितना टाइम बचेगा? अयो वाई लाइक दिस? दिस टाइम क्या हुआ? रिजल्ट लेट आया, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई. गेट इन. रिजल्ट हैज कम इन लेट. इज दिस द गुरुकुल बस बाय एनी चांस? यस. ग्रेट. सो कम इन फास्ट. सो द रिजल्ट हैज कम लेट, राइट? तो रिजल्ट देर से आया इसलिए उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई. बट कोई नहीं, इज दिस सफिशियंट? तो बच्चा जनरली पूछता है कि मैम क्या 2 महीने सफिशियंट है? तो ये आपका सवाल ही गलत है. आपके पास 2 महीने नहीं है, आपके पास 8 महीने. तो आप पहले 6 महीने क्या करने वाले हो? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैम इज 2 मंथ सफिशियंट? अरे वाई 2 मंथ्स? वॉट आर यू गोइंग टू डू इन द 6 मंथ्स? वी आर ऑल गोइंग टू स्टडी. सो आर 8 मंथ्स, 8.5 मंथ्स सफिशियंट टू क्रैक द एग्जाम? येस इट इज. इट इज एब्सोल्यूटली सफिशियंट. आज से स्टार्टिंग से ये टेंशन और लोड नहीं लेना है कि क्या मैं ग्रुप टू का क्लासेस लगाऊंगा, विल आई डू ग्रुप टू ऑल्सो? नो. टेक ईच डे एज इट कम्स, स्टडी ऑन दैट डे. अभी ग्रुप वन की क्लासेस चल रही है तो फोकस ऑन ग्रुप वन, करेक्ट? Yes. So Gurukul students, have you had your breakfast? Yes. Great. Okay. So अभी आपको क्या करना है, फोकस स्टेप बाय स्टेप. ज्यादा लोड नहीं लेना है कि कितनी किताबें, कितना सिलेबस है, ये है वो है, नहीं. नाउ यू आर डूइंग ग्रुप वन, स्टडी प्रॉपरली ग्रुप वन. दैट्स द थिंग यू हैव टू डू. नाउ आई गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट. गेट इन फर्स्ट. लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड देन टेक्स्ट. आज से हम बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे आपको टैक्सेशन के बारे में ऑलरेडी यू नो. दिस इज पेपर 4, है ना? लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन गाइस, ठीक है ना? सो ये जो टैक्स है ये क्या है आपका? पेपर 4. दिस इज पेपर 4 ऑफ ग्रुप 1 एंड टैक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एंड व्हाट आर द 2 पार्ट्स इन टैक्सेशन? यस यू ऑल नो देर इज डायरेक्ट टैक्स, आई मीन देर इज इनकम टैक्स. निहार ग्रेट यू आर इन द बस बट आई एम ग्लैड दैट यू आर वॉचिंग द लेक्चर. सो कीप वॉचिंग द लेक्चर. बिल्कुल आप लेक्चर देखते हुए आना है यहाँ पे. सो इनकम टैक्स और हम पढ़ने वाले हैं GST. इनकम टैक्स का मार्क्स का वेटेज कितना है? 60 एंड GST का 40 मार्क्स. सो 60 मार्क्स ऑफ इनकम टैक्स एंड 40 मार्क्स ऑफ GST. वॉट आर वी गोना स्टार्ट स्टडिंग विद? वी गोना स्टार्ट किस से हम पहले पढ़ाई चालू करेंगे? हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम GST स्टार्ट करेंगे. इनकम टैक्स विल गो ऑन फॉर 2.5 मंथ्स एंड GST विल गो ऑन फॉर 1 मंथ. दिस विल बी योर शेड्यूल. नाउ दीज लेक्चर्स, मैम आप जो लेक्चर्स देने वाले हैं ये क्या है, कौन सी एग्जाम के लिए? टैक्स तो कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम. हर साल नया एक्ट आता है, हर साल टैक्स में कुछ चेंजेस आते हैं. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए और क्या कर रहे हैं? तो वी आर स्टडिंग दिस फॉर व्हाट? वी आर स्टडिंग फॉर May 2023 एज वेल एज दीज लेक्चर्स एप्लीकेबल फॉर November 2023. सो वी आर स्टडिंग फॉर व्हाट? वी आर स्टडिंग फॉर May 2023 एज वेल एज November 2023. अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे May 2024 देना है तो ये लेक्चर्स तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. हर मे एग्जाम में
टैक्स का सिलेबस चेंज होता है. कब चेंज हो जाए, कब चेंज होता है? हर मई एग्जाम में. सो मई 23, नवंबर 23 सेम. अच्छा मैम, व्हाट अबाउट द न्यू कोर्स? देयर इज अ न्यू कोर्स राइट नोटिफाइड. आपने कुछ सुना है उसके बारे में, वीडियोस देखे उसके बारे में, पढ़ा है? क्या वो इंस्टीट्यूट ने अभी तक नोटिफाई किया है? हैज इंस्टीट्यूट नोटिफाइड द न्यू कोर्स? नॉट येट, नॉट येट नोटिफाइड. तो कब होगा? शायद नवंबर 23. कब हो सकता है? शायद नवंबर 23. अब तक वो नोटिफाइड नहीं है. जब आएगा तब वील सी अबाउट इट राइट. सो एज ऑफ नाउ इट्स नॉट नोटिफाइड. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जो आपको एप्लीकेबल है बिल्कुल वही आपको पढ़ाया जा रहा है. इज दैट ओके विथ यू ऑल? राइट नाउ आपको बुक्स कितनी, मैंने आपको ब्रेकअप बता दिया इनकम टैक्स जीएसटी का. रफली 2.5 मंथ्स अपना इनकम टैक्स चलेगा, उसके बाद 1 मंथ क्या चलेगा? जीएसटी चलेगा. अब आपको बुक्स क्या क्या मिलेंगी? सो यू विल बी गेटिंग 7 बुक्स. यू विल बी गेटिंग रामबाण फॉर इनकम टैक्स. रामबाण उपाय होता है ना राइट, कि बस आप ये कर लो एंड एवरीथिंग इज देयर इन दिस. सो दिस वन बुक दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, यू डू दैट एंड यू आर सॉर्टेड. इसमें आईसीआई का मटेरियल, हर कॉन्सेप्ट, हर सर्कुलर, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, सब कुछ एक बुक में कवर्ड है इनकम टैक्स की. एंड वो आप कर लोगे, यू आर सॉर्टेड. दैट्स योर रामबाण उपाय. इज दैट ओके विद एवरीबडी? यस. सो ये हो गया, एक रामबाण बुक आपको मिलने वाली है. देन यू आर गोइंग टू गेट प्रश्न मंजूषा. प्रश्न मंजूषा इज क्वेश्चन बैंक. ये हम क्लास में सॉल्व करके लेने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस हियर इन द क्लास. सो यू हैव टू कैरी दीज बोट टुगेदर. मैम अभी तक तो हमको बुक्स मिली नहीं है. नो वरीज, आपको एक दो दिन में बुक्स मिल जाएंगी. तब तक सॉफ्ट कॉपी है मन शेयर के लिए का अपन. हाँ, तो इवन लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट जिनको किताबें नहीं मिली है, इट्स अंडर डिलीवरी. वाई टैक्स बुक्स टेक्स अ लिटिल टाइम? बिकॉज द सिलेबस चेंजेस. सो आई एम नॉट गिविंग यू ओल्ड बुक्स. न्यू बुक्स हैव गॉन, प्रिंटर के पास से आ गए हैं. डिस्पैच अभी स्टार्ट हो जाएगा. करेक्ट? यस. नाउ प्रश्न मंजूषा मिलेगा. थर्ड आपको मिलेगा सारांश. इट्स अ चार्ट बुक. यार टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ऐसा सुना है आपने सीनियर्स से? क्या सुना है? वास्ट है ना? यस. आपको पता है बाकी सब्जेक्ट्स के अगर 2 मॉड्यूल्स होंगे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, टैक्स के कितने हैं? 5. दैट इज वाई आप और हम यहाँ कितना समय साथ में बिताने वाले हैं? 3 घंटे. कितना समय हम साथ में बिताने वाले हैं यहाँ पे? एवरी डे आई एम गोइंग टू मीट यू हियर. वी गोइंग टू बी टुगेदर हियर फॉर हाउ मच टाइम? तो एक मूवी के जैसे टैक्स को एंजॉय करना है. येस, आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एंड वी गोइंग टू हैव फन. सो हाउ यू गो एंड वॉच अ मूवी लाइक दैट ओनली, यू डोंट हैव टू टेक एनी लोड कि ठीक है आज कुछ नया समझेंगे, आज कुछ नया सीखेंगे, बिकॉज टैक्स इज न्यू फॉर यू ऑल. टैक्स इज न्यू फॉर यू ऑल राइट? यस. नाउ सारांश मिलेगा. दिस इज सारांश का मतलब होता है समरी राइट. सो आपको चार्ट बुक मिलने वाली है. फोर्थ आपको मिलेगा कंपाइलर, विच इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट. कंपाइलर में पास्ट एग्जाम पेपर्स, RTPs, MTPs, ये सब सॉल्व करके सल्यूशन के साथ दिया हुआ है. ना सल्यूशन के साथ क्यों दिया हुआ है? क्योंकि टैक्स में ओल्ड बहुत पुराने पेपर्स देख के मतलब नहीं बनता. क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट आती रहती है. तो ओल्ड सल्यूशन देख के भी मतलब नहीं बनता. तो आपको लेटेस्ट आपके हिसाब से सॉल्व करके दिए जाएंगे सल्यूशंस. तो दिस विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू इन योर स्टडी लीव. करेक्ट? सेम यू आर गोइंग टू गेट फॉर जीएसटी. जीएसटी यू विल गेट रामबाण. जीएसटी के रामबाण के 2 वॉल्यूम है, Volume 1 and Volume 2. यू विल गेट अ प्रश्न मंजूषा विच इज लाइक अ कंपाइलर हियर. इसी में सब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और सब आ जाएगा. और यहां आपको हम नोटबुक ये जो है क्लास में बनाएंगे, ये 1 and 2, और ब्रेन मैपिंग बुक, एक हम चार्ट बुक जीएसटी की, जो ये स्पेशलिटी है क्लास की, दैट हम लोग क्लास में सारे के सारे चार्ट जीएसटी के क्लास में बनाते हैं. बिकॉज इट्स थ्योरी. जैसे ही एक कॉन्सेप्ट सिखाया, इमीडिएटली उसका चार्ट बनाया. आप मुझे बताओ ना, मूवीज आप देखने जाते हो तो मूवी की स्टोरी आपको बहुत टाइम तक याद रहती है कि नहीं? लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने पहले पढ़ा हुआ थ्योरी पॉइंट शायद आप भूल जाओगे, लेकिन मूवी की स्टोरी तो आपको कैसे याद रहती है? क्यों? क्योंकि विजुअल जितना हम देखते हैं ना, उतना हमको चीज़ें याद रह जाती है. तो इसलिए जीएसटी में मैं आपको बहुत पीपीटी दिखाऊंगी, सो दैट विल स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज इट्स थ्योरी है ना. प्लस हम उसके चार्ट्स बनाएंगे. तो बेटा हम जब चार्ट्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेमोरी है, इट विल हेल्प यू. जो विजुअल देख के हम देख
जो चीजें याद रहती है ना, देर उसका रिटेंशन जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है. दैट इज वाई ब्रेन मैपिंग, एक बुक हम लोग यहीं पे बनाने वाले हैं. सो 40 पेजेस हमारा ब्रेन मैपिंग बुक बनेगा, जहां पे पूरा जीएसटी समराइज हो जाएगा. वन डे बिफोर यू जस्ट हैव टू स्टडी दैट, करेक्ट. प्लस यू डोंट हैव टू वरी, हम एग्जाम के एक दिन पहले रिविजन लेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं तो दैट ऑल्सो इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर अप. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. सो ये हो गया किसके बारे में बता दिया मैंने आपको, बुक्स के बारे में. सो वॉट बुक्स यू आर गोइंग टू गेट, राइट. सब्जेक्ट के बारे में बता दिया आपको. इसमें ये पता है एमसीक्यूज आते हैं, आपको पता है कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं? हाँ, 30. यस, सो यू हैव 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज. सो एमसीक्यूज अच्छा है या अच्छा नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? बोथ. व्हाई बोथ रे? हाँ, इज इट गुड और इज इट नॉट गुड? इट इज गुड इफ यू नो योर कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली. पहले जैसे ही एमसीक्यू आया, आई वॉज अ लिटिल अपसेट, क्या यार कैसा अभी होगा, पेपर एकदम ये कर देंगे. बट द काइंड ऑफ एमसीक्यूज दे आर आस्किंग आर सो गुड. अगर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है तो आपको बिल्कुल ये एमसीक्यू तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है. तो एमसीक्यू केस स्टडी भी बेस्ड होने वाले. कैसे होने वाले? केस स्टडी. केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू मतलब कैसे? कम इन. केस स्टडी बेस्ड, कम इन सिट एनीवेयर, नो वरीज. केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो होने वाले, इसमें क्या होने वाला है? यू आर गोइंग टू गेट अ स्टोरी, जैसा एक प्रॉब्लम आएगा और उसके नीचे 4-5 एमसीक्यूज आएंगे और उसको आंसर करना है, ठीक है. पेपर पैटर्न वगैरह मैं धीरे धीरे आपके साथ सब डिस्कस कर लूंगी, ठीक है. अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा टैक्स के बारे में. वील स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट अबाउट टैक्स, ठीक है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट एंड देन आई शिफ्टेड 11th 12th. आई डिड साइंस एंड देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स. व्हेन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स एंड देन आई हैड नो बैकग्राउंड, है ना, नो बैकग्राउंड एट ऑल अबाउट कॉमर्स. एंड देन आई डिसाइडेड आई विल डू सीए कोर्स. दैट टाइम आई वाज लाइक, अब करना कैसे है? And then I realized when I started attending classes, I started preparing for CA, I realized कि ये भाई ऐसा कोर्स है जहाँ पे अगर आपको conceptual clarity ना हो तो बात नहीं बनने वाली. So I took a lot of help from my teachers, took a lot of help from my friends. Why? Because I didn't have any commerce background. तो मुझे मेरे दोस्तों से, मेरे टीचर्स से बहुत हेल्प लेनी पड़ी. आई हैड टू गो एंड आस्क देम कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करते हैं अपन, व्हाई इज दिस डन. एंड देन आई रियलाइज कि यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई फोकस्ड अ लॉट, आई कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो इसलिए मुझे बहुत ये था, नहीं नहीं मुझे ये जानना है ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं. बिकॉज मुझे लग रहा था 11th 12th में मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो आई शुड नो दैट. तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रही थी कि मेरे 2 साल में पीछे पड़ गई हूँ. वेन आई फोकस्ड अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आई रियलाइज कि यार ऐसे ही करने से बात बनती है. एंड आई रियली गॉट रिजल्ट्स इन CA इंटरमीडिएट. आई वॉज अ रैंक होल्डर, आई गॉट AIR 25 एंड इन फाइनल आई वॉज AIR 33. सो इट इज़ नॉट लाइक हाउ स्मार्ट, ब्रिलियंट या आप कैसे बच्चे हो. What is very important कि आप कितना concept पे focus करते हो and do you really want to know कि ये क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है. Concept पे आप focus करो, believe me you will be able to crack this exam. Okay, it is very much possible to crack this exam. I qualified in January 2002. Okay, so my final attempt was in November 2001. Jan 2002 I qualified. Since then for last 20 years I am teaching as well as practicing. So I'm a practicing chartered accountant. I have my office in Model Colony and I have articles and I have a practice for last. My father is also into this field. My husband is also a CA. So we all of us are practicing and I'm in practice for last 20 years and with lot of practical examples that I'm going to share with you. But share karne ke liye thoda aapko knowledge badhana padega, tab aap main jo bol rahi hu wo samajh paoge. है ना. सो इट्स गोइंग टू बी अ फन वे. लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से ही मैं आपको ये क्लास करवाऊंगी. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट टैक्स. आपको टैक्स के बारे में क्या पता है? यस, तो बता दो, कम ऑन, लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव क्लास. व्हाट डू यू नो अबाउट टैक्स? व्हाई एंड हु इज कलेक्टिंग टैक्स? क्यों टैक्स कलेक्ट करना जरूरी? कौन टैक्स कलेक्ट करता है? ओके, सो गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स, ठीक है. तो आपके जो भी जवाब है मैं वो लिखते जाती हूँ. तो कौन टैक्स कलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्सेस. व्हाई? व्हाट डू दे डू विद दिस टैक्सेस? यस, क्या करते वो टैक्स से? दे यूज दिस मनी फॉर डेवलपमेंट और डिफेंस.
आजकल तो डिफेंस पे खर्चा करना ही पड़ेगा बॉस. रशिया और यूक्रेन का वॉर देखा आपने. यस, एनीथिंग कैन हैपन. यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. राइट, सो डिफेंस पे खर्चा तो करना पड़ेगा. राइट, सो डेवलपमेंट है, डिफेंस है. डू यू नो गवर्नमेंट की स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती है. सो ऑल दिस, वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? फ्रॉम टैक्सेस. अच्छा, क्या गवर्नमेंट का सिर्फ टैक्स ही इनकम रहता है क्या? फिर और क्या रहता है? रेंटल इनकम रहता है. वेरी गुड, गवर्नमेंट हैज रेंटल इनकम. ओके, सो गवर्नमेंट की कहीं कहीं प्रॉपर्टीज होती है, रेंट पे दी जाती है. सो गवर्नमेंट को रेंटल इनकम भी काफी मिलता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है पता है क्या? टैक्स. सो मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्स. टैक्स यही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का. ठीक है, राइट. नाउ टेल मी, टैक्स में कितने प्रकार के टैक्सेस है? टैक्सेस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? या सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. वन इज डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. यस, सो एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. लॉट ऑफ डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्ट कैसे बनता है. आपने कुछ फाउंडेशन में सीखा होगा एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस है, क्यों इनकम टैक्स को इनकम टैक्स ही बोला जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, कितने टाइप्स के टैक्सेस है. ऑल दिस इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. तो देखो, आप मूवी देखने जाते हो तो क्या आपको पिक्चर पहले 10 मिनट में पूरी समझ में आती है क्या? आती है क्या? नहीं ना. सो यू हैव टू वेट टिल द एंड. सो एवरी डे यू हैव टू अंडरस्टैंड. बहुत सारे नए टर्म्स है, बहुत सारे नए चीजें हैं. मैं एक ही लेक्चर में आपको सिखा सकती हूँ क्या? नहीं. सो आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. राइट, सो कभी कुछ ट्विस्ट आएगा, कभी कोई स्पेशल केस आएगा, किसी और विलन की एंट्री होगी, कभी देयर विल बी यू नो सम अदर ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट विल कम इनटू दिस मूवी एंड देन बाय द एंड यू विल बी लाइक वाओ दिस वाज फैंटास्टिक. सो वी गोना हैव ग्रेट फन इन दिस सेशन. इज इट गोना बी ऑल थियोरी? मैम 3 घंटा थियोरी हम कैसे करेंगे? इट्स नॉट. ओनली योर फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर्स अ लिटिल थियोरेटिकल. उसके बाद ऑल चैप्टर्स आर गोना हैव कॉन्सेप्ट, उसके प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट, उसके प्रॉब्लम्स. सो एवरी डे यू हैव टू गेट कैलकुलेटर्स टू द क्लास. आई नीड कैलकुलेटर्स. वी आर गोना डू प्रॉब्लम सॉल्विंग. टाइमर लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो देयर विल बी लॉट ऑफ फन इन द क्लास. ठीक है, यस. सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. चलो मुझे बताओ, कौन बताएगा? एनी बडी विल कम हियर एंड टेल मी अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? कोई आएगा यहाँ पे? नहीं. वहीं से बताना है, वहीं से बता दो, लेकिन बता दो, घबराओ मत. सो हु विल टेल मी अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? यस, ओके, करेक्ट बेटा, सिट डाउन. सो डायरेक्ट टैक्स शी सेइंग. अच्छा, नाम ही देखो ना क्या है उसका, डायरेक्ट टैक्स. अरे क्या नाम है इसका? डायरेक्ट टैक्स. क्यों? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड. ओके, इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चमेली. किसका एग्जाम्पल लेंगे? चमेली. चमेली जो है वो इंफोसिस में जॉब कर रही है. कहाँ जॉब कर रही है? इंफोसिस. मस्त पैकेज मिल रहा है उसको. चमेली इज अर्निंग सम नाइस 40-50 lakhs. ओके, सो शी हैज अ वेरी गुड एंड सुपर पैकेज. शी इज वर्किंग विद इंफोसिस. सो चमेली जो है शी इज अर्निंग सैलरी. उसको क्या मिल रहा है बेटा? सैलरी. सो चमेली इज अर्निंग सैलरी एंड ऑन दिस सैलरी व्हाट शुड शी पे? शी हैज टू पे इनकम टैक्स. एंड हु विल गो एंड पे दिस टैक्स? चमेली हरसेल्फ. ऑफकोर्स वो किसकी हेल्प लेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की. ऑफकोर्स किसकी हेल्प लेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की. सो शी विल टेक हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. शी विल गो एंड शी विल पे टैक्सेस. एंड व्हाट विल शी डू? शी विल गो एंड पे टैक्सेस. बरोबर? क्या बोलने का? बरोबर. एवरीबडी लाउडली कम ऑन. बरोबर. यस, सो शी विल गो एंड पे दिस इनकम टैक्स. करेक्ट. नाउ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आर यू ऑल टैक्स पेयर्स बाय द वे? आप टैक्स पे करते हो? क्या मैम, इनकम ही नहीं है, कहां से टैक्स पे करेंगे? बोलो तो, टैक्स पे करते हो क्या आप लोग? यस, पे करते हो? या यू ऑल आर पेइंग टैक्सेस? आप स्टेशनरी खरीदने गए, कोचिंग क्लास की फीस पे करी, क्या है उसके ऊपर? जीएसटी. रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, क्या है? यू ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नेशंस बिल्डिंग. यस, यू ऑल आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग. यू ऑल आर टैक्स पेयर्स ऑलरेडी. You all are paying taxes already. You're paying indirect taxes. You're paying GST. When you buy petrol, you're paying a tax called as VAT.
When you're going in a restaurant and eating food, you're paying a tax called as GST. When you're buying stationery, you're paying GST. On the coaching fees, you're paying GST. You all are already taxpayers. You may not be paying income tax, beta, but tum already kya pay kar rahe ho? Tax pay kar rahe ho. तो आपके दोस्तों अभी आप देखो आप में फर्क आना चाहिए. आप क्या है अभी आप सी ए कोर्स में आ गए. यू हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स, डिस्कस विद देम. अच्छा आप कैसे करते हो, ये हमने ऐसे सीखा है, नो अबाउट इट. स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि घर पे कोई प्रॉपर्टी सेल हुआ, परचेज हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टैम्प ड्यूटी क्या है. एक 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 करके आप सीखोगे तो यू ऑल्सो शुड गेट इन्वॉल्व प्रैक्टिकली इन ऑल दिस स्टफ. करेक्ट. सो आपने दोस्तों से भी पूछना चाहिए अपन टैक्स पे करते क्या. तो अरे हाँ अपन तो करते हैं ना. कौन सा टैक्स पे करते हैं अपन? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी. एनीथिंग दैट यू बाय एमआरपी पे क्या रहता है? टैक्सेस इंक्लूडेड होते ही है. टैक्सेस इंक्लूडेड होते ही है. समझ में आ रहा है क्या? यस. नाउ ये है डायरेक्ट टैक्स और ये है एक इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स आप ऑलरेडी पे करते हो. करेक्ट. दिस इज द टैक्सेस दैट यू आर पेइंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड दिस इज कॉल्ड एज नाउ जीएसटी. जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गब्बर सिंह टैक्स. हा गब्बर सिंह टैक्स. हु कॉल्स दिस एज गब्बर सिंह टैक्स? राहुल गांधी. या राहुल गांधी कॉल्स दिस एज. अभी ऑपोजिशन में उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा कि नहीं है कि नहीं. सो ऑपोजिशन में पहले प्रपोज किसने किया था? जीएसटी. कांग्रेस ने. तब किसने ऑपोज किया? बीजेपी ने. फिर इंप्लीमेंट किसने किया? अब उसकी बुराई कौन कर रहा है? ये खेल है, ऐसे ही चलता है. समझ में आ रहा है क्या? यस. सो हियर राहुल गांधी कॉल्स इट एज गब्बर सिंह टैक्स, बट इट इज वेरी गुड एंड स्कोरिंग टैक्स फॉर अस. इट इज वेरी गुड एंड स्कोरिंग. जीएसटी 40 on 40. जीएसटी हाउ मच? 40 on 40. क्या लेके आने का है? 40 on 40. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. एग्जम्पशन तो लेके जाने का इधर. समझा क्या आपको? यस. सो हियर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस पे लगता है? गुड्स पे और सर्विसेज पे. सर्विस कोचिंग, सर्विसेज कोचिंग. गुड्स यू बाय एनी गुड्स दैट यू वांट. स्टेशनरी यू बाय सम फूड रिलेटेड पैकेट. यू गो एंड बाय एनी डैम गुड्स. एसी खरीदो, गाड़ी खरीदो, आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी तो देना पड़ेगा. करेक्ट है ना? Yes. So you are already taxpayers. So be very proud about it. Feel nice about it that yes, I'm already contributing, you know, I'm a taxpayer of this country. Somebody got a certificate very recently. Some actor got a very samman certificate mila kisi actor ko. Haan, correct. Kyun mila usko? Highest taxpayer. Mere paas wo bhi data main dikhaungi abhi thodi der mein. Kaun sa actor kitna tax pay karta hai? Who paid how much taxes? सो यू शुड नो. आपको जो सब्जेक्ट आप सीख रहे हो ना बेटा, उसकी गहराई आपको समझनी है. आपको पता है हमारे कंट्री का क्या टैक्स कलेक्शन होता है? महीने का, महीने का डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना होता है? एनी आइडिया? क्या किधर है गुरुकुल के बच्चे? अभी तक कहाँ है? खाली है. ठीक है, चलो. कितना कलेक्शन होता है डायरेक्ट टैक्स का पता है आपको? 1 lakh crores इज द मंथली कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स. और उतना ही या अभी उससे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन होता है. 1 lakh crore डायरेक्ट टैक्स का, 1 lakh crore इनडायरेक्ट टैक्स का. यस, उससे कई बार ज्यादा भी हो चुका है. मैं आपको बता रही हूं, लुक एट द क्वांटम. मैं क्या बता रही हूं आपको? क्वांटम देखो, क्वांटम. कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका क्वांटम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है. वैसे तो यू गाइज आर रियली वेरी वेरी लकी. आपके पास बहुत सारी स्टोरीज है टू टेल योर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन. व्हाट स्टोरीज, व्हाट हैव यू विटनेस्ड? बहुत हटके आपने कुछ चीजें विटनेस करी है. क्या विटनेस करिए? हाँ, डीमोनिटाइजेशन. अच्छा, क्या विटनेस करा है आपने? डीमोनिटाइजेशन और कोविड. तो समथिंग नथिंग नोबडी हैड इमेजिन अ लॉकडाउन लाइक कोविड, है ना? आप क्या, आप कोविड वाले 12th पास आउट हो क्या? ऑनलाइन वाले हो क्या? ऑनलाइन एग्जाम वाले हो? नहीं. हाँ, मस्ट बी ना? नहीं. हाँ,
फुकट में निकल गए क्या? पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकल गए? हाँ, पास परफॉर्मेंस. बट वॉट इज बेटर? ऑनलाइन इज नॉट दैट. नाउ यूर टायर्ड ऑफ ऑनलाइन. नो, दिस इज बेटर. यस, फेस टू फेस इज बेटर. बट एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन देखते हैं ना बेटा, उनको 10% ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन करने में, है ना? तो यस, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, मैम फ्री में 12th पास हो गया. अरे यार ठीक है, कोविड वाले डॉक्टर्स मुझे पता नहीं कैसे होने वाले, डेंजरस. अच्छा, बट कोविड वाले सीए से डरने की बात नहीं है क्योंकि हमने ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया, सो दैट इज वन वेरी गुड थिंग. तो हमें कोविड वाले सीए से डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोविड वाले डॉक्टर से डरने की जरूरत पड़ सकती है. बट ऑफकोर्स हमने ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया. सीए एक ऐसा ऑफकोर्स कोर्स है स्टूडेंट्स दैट इट हैज नो रिजर्वेशन, नो कास्ट, नथिंग. इट इज ओनली एंड ओनली प्योरली ऑन मेरिट. इट इज प्योरली ऑन मेरिट. सो यू हैव टू बी वेरी प्राउड दैट हमने जो कोर्स सिलेक्ट किया है जो प्योरली मेरिट पे है. अब आप मुझे एक चीज बताना तो जरा कि यार इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? हाँ, 135, 142 के आसपास अभी आ गया. चलो 135 काउंट करते हैं, है ना? 135 crores. अच्छा, आपको क्या लगता है कितने लोग टैक्स रिटर्न्स, अच्छा रिटर्न्स भरते हैं? रिटर्न्स, मैम क्या बात क्या कर रहे हो आप? क्या मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? रिटर्न्स, रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या है ये, किसी को पता है क्या? हाँ एक मिनट, ऑफकोर्स अयोध्या मंदिर एंड ऑल, आई विल कम बैक टू इट. क्या क्या देखा, क्या डीमोनेटाइजेशन सक्सेस था एंड ऑल, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद यू, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस, फ्यू थिंग्स टू शो यू ऑल्सो. सो आई एम गोना शो यू ऑल, लेट्स स्टार्ट नाउ. ठीक है, तो मुझे बताओ आईटीआर क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न. अच्छा मैम, इफ आई स्टार्ट अर्निंग इनकम, मुझे क्या करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आप बोलो क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. बॉस सिर्फ टैक्स पे करके नहीं बात बनने वाली, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए. अरे तुम लोग देखते आ रहे कि नहीं देखते आ रहे? थोड़ा बहुत देखा, चलो बैठो जल्दी. क्यों? अरे तो बस में देखते आने का ना, नेट नहीं था, दो तीन दोस्तों ने मिलके देखना चाहिए. चलो आ जाओ जल्दी, बैठो बैठो बैठो. ITR, अनु परीख, नहीं दैट इज ITC तू बोल रहा है बेटा. अनु, ITC इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. ऑल राइट, गेट इन, रिलैक्स. लेक्चर देयर ऑन यूट्यूब, डोंट वरी, बेसिक ही चल रहा है, कोई बात नहीं है, है ना? हाँ, खाना खाया, ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं खाया? ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल करके आ गए हम लोग. लेक्चर भले हमारा नहीं, ब्रेकफास्ट करके आना है, खाली पेट कुछ नहीं समझेगा बेटा. सो मैम 8 बजे सुबह कुछ नहीं खा सकते, मैं भी नहीं कुछ खा के है, बिकॉज 8 o'clock समटाइम्स इट्स लाइक इतना जल्दी कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ जाता भी नहीं है. तो डोंट वरी, मैं आपको 15 मिनट का ब्रेक दूंगी. ब्रेक में अगर आपको सफिशियंट टाइम नहीं होगा, आप क्लास में लेके भी आ सकते, लेकिन कुछ गिराना विराना नहीं, यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हो बिना डिस्टर्ब किए, फोकस करोगे तब. क्यों बेटा? क्योंकि खाली पेट दिमाग में कुछ नहीं जाएगा. एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, कि मैं यहाँ पे टैक्स और टैक्स पढ़ाते जा रही हूँ और आप बोल रहे हो कि बस अभी भूख लगी है मैम, बस कर दो. चलो जल्दी सिट डाउन एंड सेटल डाउन फास्ट. तो इन लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दो, बता दो इन लोगों को कि टैक्स कितने टाइप्स के है, बताओ बताओ जरा इनको, ये लेट आए, इनको बताओ जरा, चिल्ला चिल्ला के बता दो आंसर. तुम लोग मत जवाब दो अभी, तुम सुनो पहले इनका. टैक्स कितने प्रकार के? जरा जोर से बताओ, अब भी बताए 2 मिनट पहले. दो प्रकार के, कौन से दो प्रकार है बताओ जल्दी. सुना क्या प्रकार का टैक्स? एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. कल से लेट आए, मुझे सुनने का इच्छा नहीं है. बस वाले का नंबर लो, जिसका नंबर लेना है लो. इधर कितने बजे पहुंचने का है? हाँ नहीं तो जल्दी सीख गया, ये बहुत आगे जाने वाला है. हाँ यस, समझा ना? यस, सो यू हैव टू रीच हियर ऑन 5 मिनट्स टू एट. कितने बजे? 7:55 आने का. इधर कितने बजे पहुंचने का है? और तुम लोग 7:54 पहुंच के देखना ये लोग आए कि नहीं आए. समझा ना? तुम लोग कितने बजे आने वाले?
7:54, और देखने का ये लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, समझा ना? हाँ, मैं कितने बजे आऊंगी? हाँ, आई कम एट 7:59, ओके, आई स्टार्ट एट 8 देन, इज दैट ओके? यस, ऑल राइट, ओके, सो सेटल डाउन, रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, यू नॉट मिस्ड आउट ऑन मच, वी आर हियर टू कवर इट अप, ओके, राइट, सो लेट्स स्टार्ट. स्टेशनरी वगैरह है क्या तुम्हारे पास? नोटबुक है ना? सारे आ गए, अभी गुरुकुल में भी सारे बच्चे पहुंचे नहीं है. आई थिंक मेनी किड्स हैव नॉट इवन अराइव्ड एट गुरुकुल, बट ठीक है, वो लोग आ जाएंगे. हाँ, अजून एक बस है, शाबाश. मुगैम्बो खुश हो, अभी कितने किधर है, किधर है वो बस? अभी आ गई. ये है क्या? ये तू पहली बस में है क्या अभी तक, कि दूसरी बस वाला है तू? ये पहली वाली है, आ जा बैठ जा. तुमको फिर से उनको बताना पड़ेगा टैक्स के कितने प्रकार है. कितने? दो. अच्छा उनको बताओ, तुम लोग टैक्स पेयर हो क्या? yes. तुम लोग टैक्स पेयर हो क्या? yes. क्या रे? yes. तू टैक्स पे करते हैं? yes. लेक्चर सुनते हुए आया ना? yes. हाँ, ऑल राइट, कम ऑन. सो वी आर एन इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स हमारा जो चल रहा है, और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आईटीआर क्या होता है. क्या बता रही हूँ? आईटीआर क्या होता है. तुमको पता है ना, तुम इंटरमीडिएट में है. कितने ग्रुप है उसमें, और ग्रुप वन में कितने सब्जेक्ट है, यही चीज इनको बताया मैंने. तुमको ये ऑलरेडी पता है ना? बढ़िया है, चलो तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स फोकस एंड कंटिन्यू व्हाट यू हैव टू. एंड यहाँ पे गुरुकुल वाले अलग ऐसे एक साथ नहीं बैठेंगे, आगे से सारे बच्चे मिक्स होके एक साथ बैठेंगे, ठीक है? यस, ऑलराइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बेटा मोमेंट. चलो ऐसा मान लेते हैं, विशफुल थिंकिंग, मैम हम सीए बन गए. बन गए तो तालियां तो बजाओ. क्या बन गए? सीए बन गए. यस, सो यू ऑल आर नाउ, यू ऑल आर व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके, अब आपको मिल गई जॉब, वाह. अब आप अर्न करने लगे, परफेक्ट. अब आपसे गवर्नमेंट आके क्या बोलेगी? मोदी जी आएंगे. yes. निर्मला सीतारामन विल कम. हु इज निर्मला सीतारामन? फाइनेंस मिनिस्टर. यस, फर्स्ट फुल टाइम, फर्स्ट फुल टाइम लेडी फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फुल टाइम. व्हाई आई एम सेइंग फुल टाइम? इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी ना बेटा, शी वॉज ऑल्सो हैंडलिंग द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस. तो वो प्राइम मिनिस्टर भी थी और फुल टाइम फाइनेंस ने हैंडल करती थी, वो पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थी. दैट इज व्हाई मैंने जो शब्द यूज किया वो क्या है, निर्मला सीतारामन जी इज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर. बरोबर? ओके, सो ये है निर्मला सीतारामन जी, राइट? सो शी इज ऑफकोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट ऑल्सो, कि कैसे एक्ट बनता है एंड ऑल दैट स्टफ आई विल टेल यू. सो यहां पे आपको ये समझना है कि आप सीए बन गए, आप कमाने लगे, अब मोदी जी आएंगे और बोलेंगे क्या दे दो बेटा? टैक्स. अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ता है? यू नो, यू शुड नो दिस. नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग इनकम, यू हैव टू स्टार्ट पेइंग टैक्स. यू हैव टू स्टार्ट पेइंग टैक्स. अच्छा मैम, सिर्फ टैक्स से बात बनती है क्या? अरे यार, सिर्फ टैक्स से बात बनती है क्या? नहीं, आपको भरना पड़ेगा रिटर्न. बेटा रिटर्न्स क्या होता है? एक फॉर्म, इसका फॉर्मेट फिक्स्ड है. गवर्नमेंट बोलते है, सिर्फ तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू अर्निंग, वेयर आर यू वर्किंग, एंड लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज दिस इंफॉर्मेशन. गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज दिस इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी तुम्हारी पूरी की पूरी जन्म कुंडली गवर्नमेंट के पास है. अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिस्टम introduced in this year, last year already when I filed returns in my office, okay, annual information statement. Kya hai? Annual information statement. If you check on my Instagram, there is a very good meme on this annual information statement. Jab client aata hai office mein, ekdam, main bolti hu, acha income kya hai aapka? Bas ye hai salary, itna hi hai. Fir aur kya hai? नहीं, एफडी थोड़ा सा ही है, इंटरेस्ट इतना सा ही आ रहा है. नहीं ऐसे, अच्छा वो प्रॉपर्टी वगैरह है क्या, रेंट पे दिया है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. तो वी से ओके, फिर मैं आर्टिकल को देती हूँ, चलो इनका रिटर्न का वर्किंग करो. फिर आर्टिकल को बोलती हूँ एक काम करना, इनकम टैक्स पोर्टल. इनकम टैक्स की पोर्टल माने इनकम टैक्स की वेबसाइट. बोलती यार इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, उधर जाके उसकी सारी जन्म कुंडली निकालो,
गवर्नमेंट ने आपका AIS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIS? एनुअल इंफॉर्मेशन, कभी कभी TIS भी बोलते हैं इसको, टैक्स पेयर्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी, अलग अलग है. कभी वो द रिपोर्ट, कोई डिटेल में रिपोर्ट आता है, कोई समराइज फॉर्म में आता है, दोनों है ही सेम. ओके, क्या नाम बोला मैंने, जल्दी बोलो, AIS. आइयो, क्या बोला, AIS. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIS? एनुअल इंफॉर्मेशन. TIS, टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. टैक्स पेयर, तुम सब, हम सब कौन है, टैक्स पेयर. अपन सब कौन है बेटा, टैक्स पेयर. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, हम सब कौन है, टैक्स पेयर्स. अब गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन निकालती है सारी. गवर्नमेंट, क्लाइंट चला गया, आर्टिकल ने काम चालू कर दिया, रफली मैंने देख लिया, अच्छा ये बिजनेस इनकम इतना है और सैलरी इनकम इतना है, मैंने बोल दिया इंटरेस्ट इतना है, लुकिंग एट इट एट ऑल अंदाजन आपको मोटा मोटी इतना टैक्स आ जाएगा. क्लाइंट खुश चला गया, बोलता है अच्छा आप वर्किंग वगैरह कर दो, दो दिन बाद आता हूँ टैक्स पे करूँगा. अब दो दिन बाद आता है, उसके पहले वो आर्टिकल निकालता है TIS और AIS. उधर पता चलता है क्लाइंट की चार प्रॉपर्टीज है, क्लाइंट ने चार प्रॉपर्टीज रेंट पे दी है, क्लाइंट को 10 लाख का रेंटल इनकम मिल रहा है, क्लाइंट का एक और बैंक में बैंक अकाउंट है, उधर FD बनाया हुआ है, उस FD पे उसको 1 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है. आइयो, क्या हो गया, आइयो बोलो तो. हाँ, अब मैं बोलूंगी यार अब ये क्लाइंट देखो कैसे रोते रहते, फी मांगी तो रोते रहते, नहीं नहीं मेरे पास कहाँ पैसे, ये कितना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है वो कर रही है, ऐसे नहीं करती है गवर्नमेंट. टैक्स की प्रोविजंस बेटा, जिस दिन आप समझोगे ना, इनकम टैक्स एक्ट में पहले से इतने सेक्शंस नहीं थे, कल एक्ट लेके आऊंगी आपको दिखाऊंगी, एक्ट कैसे पढ़ते हैं कैसे खोल के देखते हैं सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेटा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस ऐसे नहीं आए, सेक्शंस के नीचे सब सेक्शंस, कोई एक्सप्लेनेशन क्लॉजेस होते हैं, ऐसे नहीं आए. ये आप टैक्स की चोरी करते हो ना, उसकी रिएक्शन में ये आया है AIS. गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ यार ये देखो इसकी चार प्रॉपर्टीज है, रेंट पे दिए, इसने दिखाया नहीं इनकम, कैसे पकड़े इन लोगों को. चलो AIS निकाल दे. डिजिटलाइजेशन, गवर्नमेंट बोलती है यार अपने पास तो डेटा है, रेंट की एग्रीमेंट रजिस्टर होती है, जनरली रेंट की एग्रीमेंट अपन क्या करते हैं टेनेंट के साथ रजिस्टर करते हैं. आई डोंट यू नो टेनेंट ने कल जाके मेरी प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ कर दिया, पुलिस केस हो गया, तो एज अ फैमिली ऐसे नहीं यार रजिस्टर करके आते, कुछ भी कर लफड़ा नहीं होना चाहिए. फिर अपन पुलिस को बोलेंगे नहीं नहीं मैं थोड़ी रह रहा था यहाँ पे, टेनेंट था, तो बोलेगा एग्रीमेंट किधर है, वो तो मैंने टैक्स की चोरी करने के लिए बनाया नहीं, रेंट तो मैंने कैश में ले ली. यार महंगा पड़ता है कभी कभी, वो टेनेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी फ्लैट पे तो करेंगे क्या, समझा क्या, तो करेंगे क्या, इसलिए उसको रजिस्टर करो. रजिस्टर करोगे तो इन्फॉर्मेशन चली गई, इन्फॉर्मेशन चली गई तो इनकम टैक्स ने कैप्चर कर ली. अच्छा इनकम टैक्स आपको कैसे, अच्छा बाय द वे ICAI आपको कैसे पहचानती है, आपके नाम से, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से. वैसा ही इनकम टैक्स सबको पहचानती है बाय आर पैन और नावडेज आधार. इट नोज अस बाय आर पैन. ओ माई गॉड मैम आप क्या क्या बता रहे हो आज. मैंने बोला टैक्स क्या है, मूवी है, 10 मिनट में सब समझ में आता है क्या. हाँ मस्त बैठने का, पॉपकॉर्न लेके अपना अपना लेके आने का. हाँ क्या क्या पॉपकॉर्न लेके आने का, इधर मस्त बैठने का यहाँ पे, और मूवी एंजॉय करेंगे ठीक है. ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाएगा अपना, भारी अपने को मस्त मार्क्स लेके आने का इधर. इज दैट ओके विद एवरीबडी? यस, नोबडी हैज टू टेक टेंशन, इट्स गोइंग टू बी इंटरैक्टिव सेशन, वी विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस आल्सो विल बी डन. तो यहाँ पैन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर. इनकम टैक्स डजंट नो यू एंड मी बाय आवर नेम्स. जैसे आपका ICAI का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, WRO, SRO, जो भी रीजन से आप, बरोबर ना. हाँ तो वैसा ही यहाँ क्या मिलता है, पैन. आइयो क्या मिलता है, पैन. इट नोज अस बाय पैन, दैट्स इट. तो हर जगह पता है, आप बैंक खोलने जाओगे तो आपको क्या देना पड़ता है, पैन, या क्या देना पड़ता है, आधार. हाँ पकड़े गए यहाँ पे, क्या देना पड़ा, पैन या आधार, हो गया. जहां जहां बैंक को बोला जाता है ये आधार नंबर है, भाई इसके किधर किधर बैंक अकाउंट से हमको बता दो, इसके FD किधर है बता दो, सारा डेटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट इस तुमको बोलती है ये ले ये तेरा इनकम है बेटा, ये तेरी प्रॉपर्टी है, तू भूल गया तेरी FD उस बैंक में भी है, ये ले.
ये क्या है, ये तेरा इनकम है, ये तेरा इंटरेस्ट है, तेरे को याद नहीं है ना, ये ले, ये टेनेंट है, ये तेरे को रेंट दे रहा है, इतना रेंट दे रहा है, पूरी जन्म कुंडली रेडी. अ ड्रास्टिक चेंज व्हाट आई स्टडीड एज एन आर्टिकल. आई विल टेल यू व्हाट वी डिड एज आर्टिकल्स. वी हैव सीन, नहीं हमने किया नहीं है, हमने देखा है. दिस इज द सेकेंड बस. बेटा कम सिट डाउन एंड सेटल डाउन, आराम से बैठो. लेक्चर देखते हुए आए क्या बेटा तुम? ठीक है, नहीं तो वापस इनको क्या बोलना पड़ेगा? कितने प्रकार के टैक्स है उनको बता देना बाद में. दो. ऑल राइट, अब सुनना, मैं आपको क्या बता रही थी अभी. हाँ, तो परमानेंट अकाउंट नंबर से हम लोग ये समझ रहे हैं कि व्हाट आई हैव सीन एज आर्टिकल. तभी डिजिटलाइजेशन नहीं था, हम मैनुअल रिटर्न्स भरते थे. यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम 20 years of my experience and where I'm going to tell you how things have changed. पहले कैसे था, अब digitalization आ गया, क्यों ऐसा किया, AIS क्यों आएगा, आपको सारी history समझेगी. बेटा AIS निर्मला सीतारामन जी को बहुत टाइम पास और काम नहीं है, इसलिए नहीं है AIS लेके आए. वो इसलिए AIS बना के लेके आए क्योंकि टैक्स पेयर्स टैक्स की चोरी कर रहे. तो गवर्नमेंट का जो भी स्टेप होता है ना, इट्स अ रिएक्शन टू व्हाट एवर यू हैव डन. इंडिया में अपन क्या करते हैं? जुगाड़. अपन क्या करते हैं? जुगाड़. अपने को जुगाड़ चाहिए, एक नंबर जुगाड़ करते बेटा अपन. नहीं मुझे नहीं टैक्स पे करना, कुछ करो ना यार, है ना. ऐसा क्लाइंट आता है यार, नहीं नहीं कुछ करो ना मैम, इतना टैक्स नहीं पे करना है, कुछ करो ना. करते हैं हम लोग, बट प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ. ऐसा नहीं कि क्लाइंट पकड़ा जाए, ऐसा नहीं कि क्लाइंट पकड़ा जाए. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. सो जुगाड़ ऑफकोर्स करेंगे, लेकिन यार जुगाड़ कब कर सकते हैं हम लोग? जब पूरा टैक्स आप जान जाओ, तब उसको मरोड़ पाओगे. फर्स्ट नो द टैक्स, नो द सेक्शन, नो एवरी प्रोविजन, एंड देन वील डू टैक्स प्लानिंग, एंड देन वील नो वॉट इज ब्लैक मनी, हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक इन टू व्हाइट, एंड लॉट ऑफ टैक्स प्लानिंग आफ्टरवर्ड्स. बट फर्स्ट सिट एंड लर्न द टैक्स एंड एक्ट प्रॉपरली. समझे क्या? तब आगे मजा आएगा आपको, ठीक है. और ऐसा मत समझना आपने चार दिन में टैक्स पढ़ लिया तो हो गया बस. मेरे पास तो मैम ऐसा आइडिया, अपन तो ऐसा भी चार दिन में पढ़ाने लगूंगी ना, बच्चा आएगा मैम फिर मैं ऐसा करूंगा. टैक्स एक्ट कब का बना हुआ है? 61. कितने सालों से इनकम टैक्स एक्ट है? कितने साल हो गए? मैं कितने साल से पढ़ा रही हूं? तुम कितने दिन से टैक्स पढ़ रहे है? और आते मेरे को मस्त टैक्स प्लानिंग बताने के लिए, मैम अपन ऐसा करेंगे, फिर नहीं ना टैक्स नहीं लगता क्लाइंट को. तुमको किधर सारा प्रोविजन पता है? क्या पता है तुमको? अभी तो सीख रहे अपन. समझ में आ रहा है? यस. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड परमानेंट अकाउंट नंबर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेटा, आप जो एक्शन लोगे ना, आप माने टैक्स पेयर, टैक्स पेयर जो एक्शन लेगा उसकी रिएक्शन गवर्नमेंट देता है. प्रोविजन कैसे बनते? डोंट टेल मी कि मैम प्रोविजन पार्लियामेंट में सेक्शन पास होता है. यार ये तो किताबी चीज है, ये सीखने वाले अपन. आपका दोस्त अगर पूछता है प्रोविजन कैसे बनता है, तो आपको पता है कि एक्ट बिल बनता है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है, ये हमको सबको पता है बेटा. एवरीबडी नोज दैट, बट दैट इज नॉट द रियल हाउ सेक्शन कम्स इन. ये AIS का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्या AIS का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. क्यों आया ये AIS का कॉन्सेप्ट? कोई लोग टैक्स की चोरी कर. यार गवर्नमेंट ने बोला टेक्नोलॉजी का यूज अपन भी कर सकते हैं, लेट अस आल्सो यूज इट, व्हाई शुडंट वी यूज इट. तो गवर्नमेंट ने लिंकिंग किया बैंक्स के साथ. जहां जहां आप एग्रीमेंट रजिस्टर करने जाते हो, आप घूमने जाते हो, क्रेडिट कार्ड की कंपनीज का आप बिल पे करते हो. अभी एक मेरे पास क्लाइंट कैसे आया? ही वॉज नॉट माई क्लाइंट, बट ही केम टू माई ऑफिस विद अ नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस. आई सेड क्या नोटिस है? ही सेड ये मैंने सेविंग्स अकाउंट में 20 लाख डिपॉजिट किए. 20 लाख डिपॉजिट किए, अच्छा ठीक है. रिटर्न भरा? नहीं भरा है, आई एम नॉट फाइलिंग रिटर्न. तो यार आ गया ना गवर्नमेंट को प्रॉब्लम, ये 20 लाख आए कहां से? रिटर्न जीरो. या रिटर्न कभी कभी कोई दिखाते मेरा इनकम 1 लाख का है. रिटर्न क्या है? फॉर्म. रिटर्न क्या है? फॉर्म. एक फॉर्म भरना होता है. आपने ICI का रजिस्ट्रेशन किया क्या? तो आपने सिर्फ पैसे भरे क्या? क्या किया? फॉर्म. गवर्नमेंट हमेशा जानकारी भी जानना चाहती है यार, कि ये पैसे किसके आए, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है. तो ऐसे इनकम टैक्स में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए. क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? कि यार तुम्हारा इनकम क्या है. चमेली है तो सैलरी है,
मोटा भाई है, बिजनेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू नो ना कि कहाँ से इनकम आ रहा है यार, तुम बिजनेस कर रहे हैं, तुम सैलरी अर्न कर रहे हैं, कहाँ रह रहे, टैक्स का वर्किंग कैसे किया, टैक्स की कहीं चोरी हो रही है क्या, गड़बड़ हो रहा है क्या, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक. सो इसलिए क्या भरना पड़ेगा, रिटर्न. क्या भरना पड़ेगा, रिटर्न. यू विल हैव टू फिल अ इनकम टैक्स रिटर्न, राइट. सो यहाँ पे देखो, ये जो रिटर्न्स हम भरते हैं, फिर गवर्नमेंट ये इन्फॉर्मेशन यूज करती है, दे अंडरस्टैंड, दे यूज दिस. नाउ अर्लियर व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप, सेल्स टैक्स एक टैक्स हुआ करता था. कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स. अब सेल्स टैक्स की जगह क्या आ गया? जीएसटी. यार पहले 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 क्या हुआ करता था? सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स. अब क्या आ गया? गुड्स एंड सर्विस. नको सर्विसेज. प्रॉपर एकदम कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स. करेक्ट. सो गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स आ गया. तब पता है लोग क्या करते थे? मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने देखा है ऐसा. आई एम ऑन रिकॉर्ड, सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इज पीपल यूज्ड टू फाइल अ सेपरेट बैलेंस शीट एंड सेपरेट पीएनएल इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अलग अलग भरने का, उधर इनकम टैक्स पे करने का, ऑफिस में आने का, बैलेंस शीट चेंज करने का, अलग बैलेंस शीट, अलग पीएनएल. सेल्स कम कर दिया, क्योंकि सेल्स टैक्स तभी बहुत रेट हाई हुआ करता था. सेल्स का अमाउंट कम कर दिया, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में अलग, सेम योर, डिफरेंट पीएनएल, डिफरेंट फिगर्स. व्हाई? नो कनेक्शन. सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में सब मैन्युअल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सब मैन्युअल. एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं था. आज ऐसा पॉसिबल नहीं है. इफ यू नो द सिस्टम प्रॉपरली. हर्षद मेहता स्कैम कैसे हुआ? स्कैम बैंक. क्यों? बिकॉज ही अंडरस्टूड द सिस्टम वेरी प्रॉपरली. द डे यू अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रॉपरली, ओनली देन यू कैन लर्न टू फाइंड अ लूप होल इन दैट सिस्टम. But if you don't know the system properly, you will get caught. So today I know GST में जो data जाता है वही income tax portal पे भी आता है, match होता है. You will get a notice, your GST sales is different and your income tax is different. तुरंत आपको notice आ जाएगा. So ये जो पहले होता था अब करना possible नहीं है. ये linking क्यों किया? क्यों किया linking? It was a reaction. गवर्नमेंट का क्या था? ये रिएक्शन. किसके एक्शन का? टैक्सपेयर. क्यों? टैक्सपेयर क्या कर रहा था? टैक्स की चोरी कर रहा था. तो यार ये सेक्शन और प्रोविजन कैसे आते हैं? यार सेक्शन और प्रोविजन मैम एक्ट में आते हैं, प्रोविजन ऐसे होती है, ये पता है, बट अंडरस्टैंड द रियलिटी. हाउ इज अ सेक्शन इंट्रोड्यूस? बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. किसकी एक्शन की रिएक्शन करती है गवर्नमेंट? टैक्सपेयर. यार तुम चोरी कर रहे हो, तुम उधर अलग बैलेंस शीट दिखा रहे हो, इधर अलग दिखा रहे हो, रुक जा जरा. दोनों को लिंक कर दिया. तुम्हारा इनकम कितना है तुम नहीं बता रहे, रुक जा जरा. AIS बना दिया. क्यों? खोलो बैंक अकाउंट बिना आधार के, नॉट पॉसिबल. बाय अ व्हीकल विदाउट गिविंग योर आधार, नॉट पॉसिबल. बाय अ हाउस विदाउट गिविंग योर आधार, नॉट पॉसिबल. व्हाई? गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग योर डेटा. गवर्नमेंट क्या कर रही है? डेटा कलेक्ट कर रही है बेटा. तुम्हारे आधार पे सब आ जाएगा, तुमने ये खरीदा. आई विल शो यू, आई हैव अ क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन वेयर व्हेन यू बॉट अ हाउस आपके AIS में आ जाता है. सो आई हैव टू आस्क द क्लाइंट, अरे यार तुमने इस साल घर खरीदा है? हाँ खरीदा मैंने शायद, हाँ खरीदा. पहले नहीं बताता क्लाइंट, अब मैं बोलती हूँ ये लो खरीदा है भाई, ये देखो मेरे पास है, अब तो बता दो. रेंट पे दिया होगा तो रेंट तो दे दो अभी. समझ में आ रहा है? सो यू शुड सी द मीम दैट इज देयर ऑन दैट AIS. क्लाइंट आता है तो इनकम बताता है इतना सा, देन देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड एज 26AS, उसमें इनकम इतना सा. व्हाट इज 26AS? आई विल एक्सप्लेन. फिर आया AIS, उसमें इनकम इतना ज्यादा. सो दिस इज हाउ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स नाउअडेज टेक्स सो मच टाइम. वी हैव टू रिकंसाइल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, AIS इन्फॉर्मेशन. क्लाइंट इधर आ, आप भर दे ये एडिशनल टैक्स, इतना इनकम है तेरा. समझे क्या? Yes, so know how a section comes in. A section comes in because of a reaction. ठीक है? तो government भी अपना steps लेती है. So again, let us understand. There are two types of taxes, बेटा. कितने type of taxes है? Yeah, direct and indirect. चलो मैंने आपको roughly बताया, direct tax का collection कितनी? 1 lakh crores. Indirect tax का collection? 1 lakh crores.
पता है, किसी भी कंट्री का जाके डेटा ढूंढने का, देखने का उस कंट्री का डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना और इनडायरेक्ट का कितना. जिस कंट्री का डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होता है मींस इट इज स्टिल अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, इट्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. व्हेन द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रीच एट अ मोर ऑर लेस सेम पॉइंट्स, इट इज नाउ अ डेवलप्ड नेशन. इट इज नाउ बिकमिंग अ, इट्स मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट. अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है उनमें ज्यादा करके डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन ज्यादा होता है. हमारा भी ऐसा ही था पहले, अपना डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा था. धीरे धीरे डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन आज लगभग सेम हो गया है. सो यू नो फ्रॉम नोइंग दीज टैक्स फिगर्स यू कैन नो अ लॉट अबाउट कंट्रीज इकोनॉमी. बहुत सी चीजें हमें सीखने को समझने को मिलती है. ठीक है, चलो पहले मुझे एक चीज बताओ, आपके पास क्या क्या स्टोरीज है आपके बच्चों को बताने के लिए? डीमोनेटाइजेशन, कोई आके डीमोनेटाइजेशन के बारे में यहाँ कुछ बोलेगा क्या? अरे घबराना नहीं है, मैं नहीं ज्यादा सवाल पूछूंगी, जल्दी से सिंपल से आप बता दो डीमोनेटाइजेशन के बारे में कोई बताएगा आपको? अच्छा क्या लगता है, डीमोनेटाइजेशन सक्सेस था क्या फेलियर था? बोलो ना, बिंदास ओपिनियन तो तुम्हारा फेलियर था. हाँ, पार्शियल फेलियर. ये पॉलिटिशियन बनने वाला है, पार्शियल फेलियर. 50 ये भी पॉलिटिशियन बनने वाला है. पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स, यस. व्हाट डू यू थिंक, वाज इट अ सक्सेस और वाज इट अ फेलियर? ओके, देयर आर टू थिंग्स. हमने क्यों किया बाय द वे डीमोनेटाइजेशन? ब्लैक मनी. व्हाट इज ब्लैक मनी रे? क्या होता क्या है रे ब्लैक मनी? जिसके ऊपर अपन टैक्स नहीं पे करते, अनडिस्क्लोज इनकम. ऐसा कैसा होता है अनडिस्क्लोज इनकम? अच्छा, तुमने अगर हमको, मेरे को कोचिंग फीस दी, कैश में दी, मैंने बैंक में नहीं भरा, चुपचाप बुक्स में एंट्री नहीं करी, अकाउंटेंट को नहीं बताया, इनकम नहीं दिखाया, दिस इज अनडिस्क्लोज्ड, आई एम नॉट पेड टैक्स. Every cash transaction is not undisclosed. मैंने cash ली, जाके bank में deposit कर दी. अभी petrol pump पे collection कैसा होता है ज्यादा करके? cash में. तो क्या वो black money हो गया क्या? नहीं. ये गलत, ये मत समझना कि cash is black money बेटा. cash अगर आपने लेके deposit कर दिया, क्या कर दिया? deposit कर दिया, तो it is not unaccounted money. it is not unaccounted money. ये unaccounted money है क्या? नहीं नहीं. अनअकाउंटेड ब्लैक मनी मंजे का है, मंजे का है जिसपे टैक्स पे नहीं किया, जिसपे टैक्स पे नहीं किया. डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट इज ब्लैक मनी एंड दैट इज अनडिस्क्लोज्ड इनकम. पता है उस पर टैक्स का रेट कितना लगता है? 50. चलो गेस कर दो ना, तुमने टैक्स की चोरी करी, गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी कि नहीं बेटा? देगी कि नहीं? तुम बोलो, तुमने कुछ गलती करी है, पनिशमेंट करी है, गलती करी है तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं? तो गवर्नमेंट को अनडिस्क्लोज इनकम मिला, तो क्या रेट ऑफ टैक्स है लॉ में, एक्ट में? मैं अभी बताऊंगी, आपका अंदाजन गेस क्या है? 200. अभी जेब से निकाल के देगा क्या यार? क्या? हाँ, नियर अबाउट 80, क्वाइट क्लोज, क्वाइट क्लोज. इट इज 78%. 78% इज टैक्स. पेनल्टी लगेगी वो अलग. लगभग तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा. ओके, लगभग तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा. खुद को शायद बेच के या कुछ और असेट बेच के टैक्स और पेनल्टी देना पड़ेगा. पकड़े गए तो गए काम से. अब देखो, नो एंट्री है, तुम नो एंट्री से आ रहे हो, तुम गलत काम तो कर रहे हो. अगर उधर मामा आ गया और पकड़े गए, तब तुम पकड़े, तब बोलते हो हाँ मैंने गलत काम किया. वो नहीं आया तब भी तुम क्या कर रहे थे? गलत काम कर. वो फर्क सिर्फ इतना है कि पकड़े जा रहे हो या पकड़े नहीं जा रहे हो. डू यू अंडरस्टैंड दैट? डिड यू नो अबाउट दिस? जानना कि इनकम टैक्स रेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था इन माई BCR क्लब, बट आई एम नॉट शोइंग यू दैट राइट नाउ. बट डिड यू सी दैट? मेरा YouTube पे ऑलरेडी एक 8 or 9 मिनट्स का वीडियो है ऑन द जालना रेड. आपको पता है अभी रिसेंटली जालना रेड, हैव यू सीन रेड मूवी? क्या वो सब जो ज्वेलरी मिली, वो सब कैश मिला, वो क्या है?
undisclosed income. वो सब क्या है बेटा? Undisclosed income. Yes. So we'll just see this news. एक सेकेंड, हेमंत नहीं है क्या? एक मिनट उनको बुलाते हैं. I'll just put a cord, then you can hear the video also. So afterwards, do see, वो seven मैंने एकदम बहुत अच्छे से, वो गए कैसे आपको पता है? Income tax officers? बाराती बन के. And क्या नाम? राहुल वेड्स अंजलि. हेलो हेलो. मला कॉर्ड द नाही थे व्हिडिओ दाखवायचा आहे. सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई. अब ये जानिए कि छापेमारी में आयकर विभाग को क्या क्या मिला. क्या क्या मिला देखो. आपको बताया 58 करोड़ रुपए नकद मिला है, 32 किलो सोने के आभूषण मिले हैं, 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती और उससे बने मूल्यवान सामान, 300 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज. और आप हैरान हो जाएंगे, इस 58 करोड़ रुपए के कैश को गिनने के लिए आयकर विभाग की टीम को 13 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा. मशीन पे जालना में इन कारोबारियों के ठिकानों में आयकर का ये पूरा ऑपरेशन 1 अगस्त से चल रहा था और इस पूरे ऑपरेशन में 120 से ज्यादा गाड़ियां थी, 260 से ज्यादा आयकर अधिकारी और कर्मचारी छापा मारने के लिए गए थे. आरोप यह है कि जालना में दो बड़े स्टील मिलों ने कारोबार से कई करोड़ों की अतिरिक्त कमाई की और उसे पूरी तरह से रिकॉर्ड किए बगैर अवैध लेन देन भी किया है. कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें पूरा फिल्मी तड़का भी है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम और संपत्ति की बरामदगी के लिए इनकम टैक्स विभाग ने फिल्मी स्टाइल में छापा मारा, बकायदा बाराती बनकर. कैसे? रिपोर्ट से समझिए. टेबल पर नोट, जमीन पर नोट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे 8 कर्मचारी और नोट गिनने की मशीनों का शोर. अमाउंट है पूरे 58 करोड़ रुपए. ये है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा, लेकिन यहाँ मौजूद ये करोड़ों रुपया इस बैंक का नहीं है, बल्कि ये वो काला धन है जिसे स्टील के कारोबारियों ने अपनी फैक्ट्री और घरों में छिपाया हुआ था. सोचिए कितना ज्यादा पैसा होगा कि पैसे की काउंटिंग के लिए SBI में जाना पड़ा. पैसे गिनते गिनते कर्मचारी बेहोश तक होने लगे. लेकिन इस काले धन की गिनती खत्म नहीं हुई. कुल 13 घंटों के बाद जब ये काला धन गिन कर किनारे रखा गया तो ये पूरा अमाउंट 58 करोड़ रुपए का निकला. जालना में जिस जगह छापामारी हुई वही वो इलाका. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बेटा, वी आर गोना लर्न दिस आल्सो. क्या ये मैं कुछ आपको बहुत पुरानी न्यूज बता रही हूँ? कब की बात है ये? 1 अगस्त और 8 अगस्त के बीच में, 1st to 8th अगस्त, 8 days द रेड वॉज गोइंग ऑन. एंड उनके फार्म हाउस पे गए, फार्म हाउस पे बैग्स मिली जहाँ पे हर बैग में 1-1 करोड़ की कैश थी, अलग अलग जगह पे पड़ी हुई थी. दे रेडेड साइमल्टेनियसली. एक तो रेड जब होती है, आपने रेड मूवी देखी इसलिए आपको आइडिया है, नहीं देखी होगी तो देख लेना तो आपको पता चलेगा. यू हैव टू दे साइमल्टेनियसली गो, दे गो देयर, दे कलेक्ट. ऑफकोर्स नाउ लिसन, इन्वेस्टिगेशन कम हैपन्स हियर. यहाँ पे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे भी होते हैं जो रेड स्पेशलिस्ट होते हैं, हु कैन टैकल रेड्स. यू हैव लॉट ऑफ स्कोप व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू हैव टू डिसाइड योर स्ट्रीम्स. यू कैन डू इंटरनेशनल टैक्सेशन, यू कैन गो इन फॉर रेड्स, यू कैन गो इन फॉर एपिलेट. आई विल डू ओनली एपिलेट केसेज, मतलब आई विल अटेंड ओनली हाई कोर्ट. देर आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु ओनली फाइट एपिलेट ट्रिब्यूनल के केसेज होते हैं. बस आई ओनली डू दैट. आई एम ओनली इन टू इंटरनेशनल टैक्सेशन. आई विल डू ओनली NR का टैक्सेशन. आई विल डू ओनली ट्रांसफर प्राइजिंग. देर आर एंड समबडी इज ओनली अ स्पेशलिस्ट इन GST. बिलीव मी, टूडे आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है.
You can't sit and do everything. You can't sit and do everything together. You have to complete your degree. You by then have to choose your one field of expertise. Ki this is the field in which I want to make my career. And how do we do that? Will you know that right from day one? No. You will understand that while you study. Aapki इंटरेस्ट आप देखो कहाँ आ रहा है. आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिकली. एंड बिलीव मी, मैं जो सब्जेक्ट आपको सिखा रही हूँ ना बेटा, एज इट इज आप ऑफिस में जाके इंप्लीमेंट करोगे. आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट फाइलिंग रिटर्न्स, यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग टैक्सेस, यू विल हैंडल समथिंग लाइक दिस इमीडिएटली, नॉट एज अ फर्स्ट और अ सेकंड लेवल आर्टिकल. बट वी डू गो नाउ इन डीमोनिटाइजेशन. आई हैव अ क्लाइंट विच इज अ पेट्रोल पंप. सो डीमोनिटाइजेशन में पेट्रोल पंप वॉज अलाउड टू टेक ओल्ड करेंसी. तुरंत डीमोनेटाइजेशन की उसी वीक में इनकम टैक्स ऑफिसर्स विजिटेड द पेट्रोल पंप. व्हाई आर दे ट्राइंग टू कन्वर्ट ओल्ड करेंसी इनटू न्यू करेंसी? आर दे ट्राइंग, इज इट अ जेन्युइन सेल? सो मुझे 8 दिन का ऐसे सरप्राइज विजिट होता है बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर्स का, बताते नहीं है. वो आ गए वहां पे, मेहमान आ गए तो आ गए, खातिरदारी करनी पड़ेगी. आ गए वो लोग, क्लाइंट का कॉल आ गया, हम चले गए वहां पे. वी वर देयर इवनिंग, दे हैड कम. एंड इट वॉजेंट अ रेड, इट वॉज जस्ट गिव अस अ डेटा. कितनी करेंसी इन पेट्रोल पंप को बोला गया था, आप कौन सी करेंसी डिपॉजिट कर रहे हो वो भी बताओ. 500 के कितने नोट, 100 के कितने नोट. तो बेटा ये मैंने एक्चुअली, हमने जाके सो आई आर्टिकल्स गए, मैं गई, हम लोग जाके बैठे वहाँ पे, हमने क्या वर्किंग चाहिए, बिकॉज द क्लाइंट का अकाउंटेंट इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट. हु इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इंटेंसिवली. हम ये पढ़ने वाले बहुत डिटेल में, तब जाके ये समझेगा कि यार अपने को अच्छा इस टाइप से कि क्या करेंसी, कैसे उन्होंने कौन सी करेंसी, तो हमने मैच करके दिया कि ये देखो ये सेल्स है, ये इतनी कैश में हुआ, ये क्रेडिट कार्ड से सेल हुआ, ये डेबिट कार्ड से हुआ, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर इज द कैश, दिस वॉज द कैश. एंड देन वी शोड देम दिस इज जेन्युइनली द सेल दैट वी नॉर्मली डू. वी आर नॉट हाइपिंग इट. मतलब हम बड़ा चढ़ा के नहीं आपको बता रहे, हाई उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, ऐसे ही कैश कन्वर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हम लोग. लुक एट द परचेज, हमने इतना पेट्रोल परचेज किया. हम जनरली जितना परचेज करते इतना क्वांटिटी सेल हुआ, क्वांटिटी वाइज उसको मैच करके बताया, तब वो कन्विंस हुए कि ठीक है तुमने कितनी पेट्रोल पंप की कितने टैंकर आए थे, इतना लीटर आया, इतना लीटर बेचा, इतना इवेपोरेशन लॉस हुआ, ऐसा पूरा वर्किंग करके दिया हमने 7-8 डेज का. सो यू हैव टू बी रेडी लाइक दिस व्हेन यू आर यू नो सिलेक्टिंग अ फील्ड लाइक सीए कोर्स. समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो रेड हुई है, तो यहाँ पे बेटा ये जो रेड हुई है, दिस इज अनडिस्क्लोज्ड इनकम. नाउ सिटीज लाइक, जानना बहुत नेटवर्क अच्छा होता है. इमीडिएटली गाड़ियाँ इनकम टैक्स की ऑफिशियल गाड़ियाँ जाएंगी तो क्या होगा? इमीडिएटली कोई ना कोई किसी को बता देगा, यार तुम्हारे यहाँ तो नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो नहीं है रेट, तुम्हारे यहाँ तो नहीं आए लोग. तो वो कैसे गए? राहुल वेड्स अंजलि, कोई शाहरुख खान का फैन होगा हाँ, तो राहुल वेड्स अंजलि की गाड़ियाँ चली गई वहाँ पे और हो गई, बारात आई, पूरी बारात आ गई, फिर तो क्या है ना. तो यहाँ पे इतनी कैश, ज्वेलरी, अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी, ये सब मिला. अच्छा क्या मैम ये पूरा का पूरा अनअकाउंटेड मनी है? नो, इन्वेस्टिगेशन होगा उनकी तरफ से भी, उनका सीए आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ये हमने अकाउंट फॉर किया है, बुक्स में है, वेरीफाई करो. ये सब इन्वेस्टिगेशन चलेगा, फिर इसमें से जो भी अनअकाउंटेड दिखेगा उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाएगा. उस पर 78% देख रहे हैं जानना का हाँ उस पर क्या लगेगा? 78% टैक्स रेट लगेगा एंड प्लस पेनल्टीज वगैरह लगेगी. ये 78% भी कैसा है, उसका भी ब्रेकअप होता है. टैक्स में ना टैक्स होता है, सरचार्ज होता है, एक एजुकेशन सेस होता है. अब सब बताऊंगी बेटा, ये मूवी है, पहले 3.5 महीने चलने वाली मूवी है, 10 मिनट में समझ में नहीं आएगा. टैक्स में पूरा आपको 3 घंटे में सिखा नहीं सकती. तो आपको ये समझना है कि एवरी डे वी गोना हैव फन एंड बाय द एंड ऑफ इनकम टैक्स इज गोना बी सुपर्ब. तो मूवी पहले 10 मिनट में नहीं समझेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. तो आपको रुकना पड़ा ना, आपको तो पार्ट 2 का वेट करना पड़ा. इधर डोंट वरी, पार्ट 2 आपका फाइनल में होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी मैं सिखाऊंगी 2.5 मंथ्स में सब कुछ पता चल जाएगा आपको. समझ में आ रहा है क्या? यस. सो दिस रेड इज व्हाट इट इज, अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज देयर इन माय फर्स्ट चैप्टर. मैंने ऐसे नहीं दिखाया, हर लेक्चर में, हर चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड ऐसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स में आपको देती रहूंगी. सो इन द फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू अनडिस्क्लोज्ड इनकम का टैक्स रेट. एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम का टैक्स रेट होता है 78%. हाउ 78, उसका ब्रेकअप है, धीरे धीरे समझेगा, बताऊंगी अभी मैं आपको, ठीक है.
यस सो यहाँ पे इनफैक्ट आई हैड वाज प्लानिंग टू शो यू द रेड मूवी का क्लिपिंग ऑल्सो बट वो बाद में दिखाती हूँ अभी है ना. तो अजय देवगन की भी मूवी का क्लिप मैंने एक देखा था तो आई वाज लाइक आई विल शेयर दैट विद यू ऑल ऑल्सो और शो इट टू यू बट मे बी अ लिटिल लेटर. इससे रेड से आपको अभी आइडिया आ गया ना सबको. हाँ आ गया क्या? नहीं आ गया? आ गया. सो राइट सो ITR इनकम. चलो आप इनकम अर्न करना चालू कर दिए 9:30 बजे 10 बजे मैं आपको ब्रेक दूंगी चलेगा? हाँ सो इट्स गोनो बी ऑलवेज 2 आवर्स के बाद हम लोग 8 to 10 के बाद हम लोग 10 o'clock ब्रेक लेंगे फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे. आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो करेंगे उतने टाइम में सफिशिएंट नहीं होगा तो इधर आके बैठ के खाएंगे बिना कुछ गिराए बिना डिस्टर्ब किए क्योंकि खाली पेट दिमाग नहीं चलेगा. इज दैट ओके? यस सो आई विल गिव यू दैट ब्रेक सो दैट यू कैन ईट समथिंग. आई एम ओके अगर आपको पहले भी भूख लगी होगी आपने कुछ बिस्किट कैरी किए बिना डिस्टर्ब किए ठीक है और मेरे साथ शेयरिंग करना पड़ेगा. हाँ तो अगर आप बिना डिस्टर्ब किए खा रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन जस्ट ओपन अ बिस्किट ईट समथिंग नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्लास एंड आई कैन अंडरस्टैंड अर्ली मॉर्निंग एट 7 और समथिंग लाइक दैट हम ब्रेकफास्ट कुछ जाता भी नहीं है इतना जल्दी है ना. सो इट्स ओके सो बी कंफर्टेबल नो वरीज एट ऑल. सो लाइव स्ट्रीमिंग वाले आप कैसे बैठे हो? आप आई होप बेड पे सो के या सोफा पे सो के लेक्चर नहीं देख रहे हो. फिक्स अ प्लेस मेक अ टेबल एंड अ चेयर एंड सिट ओनली देयर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. तो आपको बिल्कुल एक जगह बनानी है और वहां पे बैठना है. जैसे ये मेरे सारे बच्चे बैठे हुए एकदम सीधे सिट स्ट्रेट स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट. देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. व्हेन यू सिट स्ट्रेट एंड स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एवरीथिंग गोज स्ट्रेट इनटू योर हेड. तो आपको जब पेरेंट्स बोलते हैं ना यार बेटा ऐसा मत बैठो ऐसा मत बैठो आप बोलते क्या मम्मी कुछ नहीं होता है क्या पापा? होता है. दे नो अ लॉट अबाउट इट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. तो सीधा बैठना है ऑल चार्ज्ड अप इन द क्लास. कैसा बैठना है? ऑल चार्ज्ड अप इन द क्लास. इज दैट ओके? यस. Come on. So here, let's get back to work here. Income tax ke saath aapko tax bhi pay karna hai another 30 minutes and after 30 minutes I'm going to give you a 10 minutes break. Timer lagega 10 minutes ka aur immediately aapko 10 minute mein aa jana hai. Theek hai? Yes. To income tax ke saath beta aapko bharna padega. Tax plus file karna padega. ITR. What is the full form of ITR? Income tax returns. What is the full form of ITR? Income tax returns. ओके GSTR जीएसटी रिटर्न्स. ओके जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न. GSTR ITR. व्हाट इज ITR? इनकम टैक्स रिटर्न. व्हाट इज GSTR? जीएसटी रिटर्न्स. जीएसटी के रिटर्न्स. नाउ मैम क्या सबको रिटर्न भरना जरूरी है? हाँ जो जो टैक्स पे करेगा उसको उसके साथ फॉर्म भरना भी जरूरी है. जैसे आपने ICI का रजिस्ट्रेशन किया तो क्या सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन फी पे करी? नहीं. ICI ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो योर इन्फॉर्मेशन. द सेम थिंग इनकम टैक्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन. ओके व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? 135-140. ओके अप्रोक्सीमेटली 7 or 8 crores ऑफ पीपल फाइल रिटर्न्स. हाउ मेनी? 8 पकड़ लेते. कितना पकड़ लेते? 8. कितने? 8 crores. कैलकुलेटर निकालो. चलो लाइव स्ट्रीमिंग वाले फटाफट बताओ आंसर. 8 करोड़ लोग रिटर्न्स भर रहे हैं बरोबर? क्या बोलने का? ए सुनाई नहीं दे रहा क्या? पहले बोलो तो. बरोबर. हाँ 8 करोड़ जनता क्या भर रही है? रिटर्न्स. आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ हाउ मच? 1. मतलब कितने परसेंटेज लोग रिटर्न्स भरते? 5.6. 7-8 से ज्यादा परसेंटेज रिटर्न्स फाइल नहीं होते. सो इफ योर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज अराउंड 142 to be more precise, बट चलो 140 और हमने पकड़ लिया कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं भरते बेटा रिटर्न. सो अराउंड 5 to 6% क्या परसेंटेज आया बेटा लाइव स्ट्रीमिंग वालों का? यस. तो यहाँ पे 6% लोग नहीं टैक्स पे नहीं करते. ये ऐसे मत बोलना बेटा आयुष टैक्स पेयर नहीं है. बहुत सारे रिटर्न्स खोलने के बाद पचका, जीरो टैक्स. गवर्नमेंट का क्या होता है? पचका, जीरो टैक्स. हाँ फिर भी रिटर्न भरते हैं. फिर क्यों रिटर्न भरते हैं मैम? बताऊंगी, रुक जाना जरा. सब एक चीज है, एक ही लेक्चर में कैसे बताऊंगी यार. रिटर्न जाता है, फॉर्म जाता है, बट टैक्स जीरो. तो ऐसा मत बोलना 6 or 7% लोग टैक्स पे करते हैं. नो, दैट्स रॉन्ग. 6 or 7% पीपल फाइल द रिटर्न्स. अब उसमें से कितने लोग टैक्स पे करते हैं वो अलग कहानी है. समझा क्या?
लगभग सिर्फ 1% शो इनकम अबाउ 50 लाख। क्या? ओनली 1% शो इनकम अबाउ 50 लाख। यस, दैट्स द स्टैटिस्टिक्स, ओके? यस, एंड इट्स अ फैक्ट, नथिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज जस्ट ऐसे हवा में नहीं बता रही हूँ, सारा डेटा है गवर्नमेंट का, मेरे पास काफी सारे पीपीटीज है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई विल शेयर विद यू, सो प्लीज अंडरस्टैंड अराउंड 6 to 7, नॉट मोर देन 8% पीपल फाइल दे आर इनकम टैक्स रिटर्न. इन 8 करोड़ के लिए कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है? कितने? 3 लाख. क्या सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है? व्हाट इज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? आप सीए बन गए? बन गए, हाँ, तो आपको मिलेगा मेंबरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप. आई हैव 2 सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप एंड सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस आई हैव टू अप्लाई फॉर अ सीओपी. सो आई हैव अ सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आई वॉन्ट टू डू अटेस्ट फंक्शन. अटेस्ट फंक्शन मीन्स द बैलेंस शीट इज ट्रू एंड करेक्ट, ऑडिट करना, रिटर्न भरना. किसी को ये नहीं करना है, किसी को जॉब करना है, इन्फोसिस में जाके जॉब करना है, रिलायंस में जॉब करना है, किसी को किसी कंपनी का सीईओ बनना है, सीएफओ बनना है, फंड मैनेजमेंट करना है, इंश्योरेंस कंपनी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, तो आप जॉब कर सकते हो. देन आपको सीओपी की जरूरत नहीं है, सीओपी की जरूरत नहीं है. Okay, so very few practicing chartered accountants, and these are the returns that you have to file. So look at the scope of work that we have as chartered accountants, right? Not only this, we have many, many, many other things to do. You can be a fund mutual fund manager, you can be a CFO of a company, you can do a lot of tax planning, advisory work aap kar sakte ho, koi startup ko set up karne mein help kar sakte ho, startup ke tax planning mein help kar sakte ho, unicorns ko help kar sakte ho. What is unicorn? $1 billion वैल्यूएशन कंपनी, करेक्ट? स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 billion है, उनको हमने एक टर्म दिया है, एंड दैट इज यूनिकॉर्न, दैट इज यूनिकॉर्न. सो दैट इज, गाइज आई टेल यू वन थिंग, द फील्ड दैट यू हैव सिलेक्टेड यू विल हैव टू स्टे अपडेटेड. आपने जो फील्ड सिलेक्ट किया ना, आपको क्या रहना पड़ेगा? अपडेटेड. यस, तो डे वन से आप समझ लो कि सिर्फ बुक्स वाला नॉलेज नहीं चलेगा, कि सेक्शन कैसे आया रट लिया नहीं चलेगा, क्यों वो सेक्शन आया ये जानना उतना ही जरूरी है. देखो, आपको हटके अगर सीए बनना है तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है? यस, तो अब हम करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात. चलो, सो अब डायरेक्ट टैक्स में कौन है? चमेली. कौन है? चमेली. चमेली क्या कर रही है, किधर जॉब कर रही है? इंफोसिस में. चमेली किधर है? इंफोसिस में. वो तुमको मिलने को आती है. तुम कौन है? सीए. तुम कौन है? सीए. शी कम्स टू यू, शी सेज अब क्या करूं? तो उसको बोलने का टैक्स भरने का और रिटर्न फाइल करने का. ओके, अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स. बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? कैन यू टेल मी? अब थोड़ा सा नोटबुक खोल के लिखने को भी लगाऊंगी, राइट? चलो बेटा बताओ, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का नाम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? My tax notebook have to be numbered around 300 or 400 pages की, आपने 200 pages, so whatever, that's your choice. Notebook बनानी है आपको, numbering होनी चाहिए, notebook pages have to be numbered. There's no funda of rough and fair book, कि मैम अब rough में लिखता हो, बाद में fair में, बाद में ये time नहीं मिलने वाला आपको. समझ में आ रहा है? आपका schedule आपको पता है ना, इधर ही बैठने का है. कितने बजे से? 8 बजे से लेके शाम के मज्जा. क्या, किधर बैठने वाले हो आप? यहाँ पे हम, यहाँ के टीचर्स बदलते रहेंगे, आप जैसे हो वैसे ही सुबह से लेके शाम तक. जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले, आपको कंप्यूटर के सामने, कौन गिर गया यार, हाँ, आपको कंप्यूटर के सामने ही बैठना है ऐसा ही. चलो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस सीखेंगे. अच्छा, आज मैंने आपको प्रैक्टिकली क्या चीजें बताई, पहले वो दो समझ के लो, समराइज. देखो, स्टोरी सुनते गए सुनते गए सुनते गए, ये यार मैम ने आज बोला क्या आपने को ना? समराइज ऑलवेज, इफ यू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू टेल समबडी इन वन लाइन, मीन्स यू आर सॉर्टेड. तो पहले आज मैम ने बताया कि टैक्स के 2 प्रकार है, वो है इंट्रोडक्शन दिया, इनकम टैक्स 60 मार्क्स, जीएसटी 40 मार्क्स. फिर मैम ने हमको बताया कि प्रोविजन आती कैसी है, कोई कोई सेक्शंस में चेंजेस
टैक्स पेयर्स की वजह से करने पड़ते हैं। किसकी वजह से करने पड़ते हैं? टैक्स पेयर्स की वजह से, उनके जुगाड़ की वजह से उनको रिएक्शन हमें देना पड़ता है। वो एक अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में बताया, अनडिस्क्लोज इनकम इज द इनकम ऑन विच यू हैव नॉट पेड टैक्सेस, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, सीक्रेट, यू डिडंट डिस्क्लोज इट, इट इज अनडिस्क्लोज इनकम, इस पर टैक्स का रेट क्या होता है? कमान, अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्स रेट क्या है? 78%। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, ये आपको हेल्प करेगा हर जगह पे, मैं आपको कहीं कहीं मार्किंग करके दूंगी कि बेटा इसको नोट, अब ऑफकोर्स बुक्स आपको मिल जाएंगी दो दिन में, तब मैं आपको स्टार मार्क्स देने को बोलूंगी कि यहाँ पे स्टार मार्क देना है, दिस इज ICAI's फेवरेट एडजस्टमेंट, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, जनरली आप यहाँ पे गलती करोगे, सो मैं आपको वो पहले से ही बता दूंगी, ठीक है? सो अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्स रेट, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने क्या देखा? जानना की रेड, क्या देखा? जानना की रेड में कितना मिला? लगभग 60 करोड़ ऑफ कैश, 60 करोड़ ऑफ ज्वेलरी, 300 करोड़ ऑफ प्रॉपर्टीज, 300 करोड़ ऑफ प्रॉपर्टीज। द रेड का जो भी है इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, परफेक्ट, यस, वेरी गुड। सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, परफेक्ट, 78%। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? फर्स्ट बोलते क्या, टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, लिखो डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। हाँ, स्टील कंपनी की रेट, बिल्कुल सही, यस काजल, 58 करोड़, राइट सूरज, बिल्कुल करेक्ट, इट इज पेड इनडायरेक्टली, कृतिका सही बोल रही है। सो डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, माने चमेली, किसका एग्जाम्पल याद रखने का? चमेली, चमेली किधर काम कर रही है? वो किससे कंसल्टेंसी लेती है? तुमसे, तुमसे, तुम कौन है? वो तुम्हारे पास आती है, ठीक है, कंसल्टेशन के लिए, ओके, यस, सो इट इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, ओके, एग्जाम्पल चमेली, सैलरी, कितनी सैलरी? अभी उसका पैकेज 40 लाख करते, लास्ट बैच में 32 था, ओके, अब प्रमोशन हो गया, अब कितना करेंगे उसको? 40 लाख, सो शी विल पे टैक्स ऑन दिस, करेक्ट, यस, दिस इज इनडायरेक्टली पेड, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, इनडायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तुम सब लोग, तुम लोगों ने चीजें खरीदी, गुड्स खरीदे, कोचिंग की फीस पे करी, अरे यार सब पे जीएसटी पे कर दिया तुम लोगों ने, क्या पे कर दिया? जीएसटी पे कर दिया, तुम लोग मतलब योर पेरेंट्स, दे हैव पेड जीएसटी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? इनडायरेक्टली। नाउ यहां पे पुष्पा, कौन? पुष्पा, और इधर कौन है? शॉपकीपर है। ये कौन है? शॉपकीपर है, बरोबर, और इधर ये कौन है? पुष्पा, पुष्पा वेंट टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को दिया, लिखना मत, दो मिनट रुको, शॉपकीपर बोलता है ये ले गुड्स, इसका कितना? 100 रुपया, तो 100 रुपया, गवर्नमेंट बोलते रुक जा यार, तू 100 रुपया ले ही रहा है ना, हमारा भी टैक्स ले लो ना, क्या बोलते गवर्नमेंट? तू 100 रुपया ले ही रहा है यार, हमारा भी टैक्स ले लो। इतने सारे कस्टमर्स को पकड़ना मुश्किल है, किसको ट्रैक करना आसान है? शॉपकीपर। यार इतने सारे कस्टमर्स के पास कौन जाएगा टैक्स लेने को? कौन, किसको बोलेंगे कलेक्ट करने को? शॉपकीपर। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकती है टैक्स कैसा कलेक्ट करना है। कौन? गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने कन्वीनियंस से डिसाइड करेगी कि टैक्स कलेक्ट कैसे करना है। सो यहां पे 100 रुपीज प्लस अज्यूम करते कि टैक्स का रेट, अज्यूम किया है, नहीं तो इस पे क्वेरी आएगा कि मैम 5 रुपया किधर है, अरे अज्यूम कर रहे हो, टैक्स का रेट क्या है? अज्यूम कर रहे हैं 5 रुपीज, 5%, यस, तो पुष्पा विल पे 105 टू द शॉपकीपर, 100 रुपीज शॉपकीपर विल कीप इन हिज पॉकेट, 5 रुपीज ही विल गिव इट टू द गवर्नमेंट, 5 रुपीज ही विल गिव इट टू द गवर्नमेंट। मतलब पुष्पा ने 5 रुपया टैक्स पे किया, उसको पता भी नहीं चला, उसको लगा ये प्रोडक्ट का प्राइस इच 105 है,
उसको लगा ये प्रोडक्ट का प्राइस 105 है, उसने 105 निकाल के दिए, 500 रुपया शॉपकीपर ने जेब में डाला, 5 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया. दिस इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, इट इज ईजियर, इट इज नॉट ईजी टू कम एंड आस्क एवरी वन, चलो तुमने क्या खरीदा तुम्हारा टैक्स दो, तुमने क्या खरीदा सर्विस इज लीप टैक्स दो, इट्स नॉट पॉसिबल. Do you understand? Indirect tax is indirectly collected. So government, this shopkeeper will pay 5 rupees to government. Naam mein dekho samajh mein aata hai, indirectly paid. Chameli directly pays it to the government. Chameli directly pays it to government. But Pushpa pays it to shopkeeper. Pushpa to shopkeeper, shopkeeper to government. Chalo sab repeat karenge, come on. पुष्पा टू शॉपकीपर, शॉपकीपर टू गवर्नमेंट. फिर से बोलो, पुष्पा टू शॉपकीपर. बरोबर. अभी एक दिन क्या हुआ पूछो ना, क्या हुआ? वो जो शॉपकीपर था ना, उसको मूवी देखने जाना था. अब कौन सा मूवी आया है? पुष्पराज. तो जो शॉपकीपर था उसको मूवी देखने जाना था. अभी तो सारी मूवीज बॉयकॉट करके रखी हुई है. कौन सी मूवी देखने जाएगा बेचारा? जा ठीक है, नहीं तो रिलीज हो गया वो. हाँ ठीक है, कब का हो गया? अच्छा अब सुनो, तो ये जो शॉपकीपर ये मूवी देखने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मूवी देखने जा रहा है. अब वो बोलता है, अपने दोस्त को बुलाता है. हाँ दोस्त को बुलाता है, आ जा यार तू शॉप मेरा आज के दिन देख ले, मुझे मूवी देखने जाना है, नहीं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता ऐसे कभी भी. तो उसका दोस्त आ गया, उस दोस्त ने बोला अच्छा ये प्रोडक्ट देखा 100 रुपए का है. वो पुष्पा आई उधर, उसका ध्यान प्रोडक्ट और वो दोस्त बोल के गया था 5 रुपए एक्स्ट्रा लेना, उसका ध्यान ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है, उसका रोज का काम ही नहीं है. वो लेता है पुष्पा से कितना? अयो क्या हो गया, 100 रुपए लिया. अब क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट बोलेगी हाँ बेटा कोई बात नहीं है, तुम भूल गए ना, मत देना टैक्स हमें. ऐसा बोलेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोलेगी बेटा कोई बात नहीं है, बेटा एक दिन हो गया ना गलती से, मत देना आज टैक्स, कोई बात नहीं है. ऐसे बोलने वाली है क्या गवर्नमेंट? नो, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू से दैट. इज गवर्नमेंट गोइंग टू से लीव दैट 5 रुपीज? नो, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू से दैट. अब आपको आपकी जेब से टैक्स के पैसे निकाल के देने पड़ेंगे. You know what I taught you? You know what concept I'm trying to tell you? The concept is burden and responsibility are on different persons. I'll explain. Are on different persons. चलो पहले शॉपकीपर की स्टोरी सुन देंगे, समझ पहले वाली एग्जाम्पल. चलो अभी यहां से मैं सेंटेंस क्या मेरा फोकस करो. चलो जल्दी सेंटेंस क्या बोला, लाउड एंड क्लियर. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन. फिर से बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन. एक चीज बोलना, 5 रुपए कौन निकाल के दे रहा है बेटा? नहीं, शॉपकीपर का दोस्त नहीं है. ये एग्जाम्पल को पकड़ेंगे, ये वाला, ये 105 और ये. तो 5 रुपए जेब से किसने निकाल के दिए? मतलब उस 5 रुपए का बर्डन, उसका फटका किसको बैठा 5 रुपए का? पुष्पा को. द बर्डन ऑफ पेइंग दैट 5 रुपीज कम्स ऑन पुष्पा, बट गिविंग दैट टू द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर. बर्डन ऑफ पेइंग 5 रुपीज इज ऑन पुष्पा, शुड गिव 5 रुपीज टू, and then shopkeeper is only acting as a agent. Only he says I am responsible for what? Paisa collect karo, government ko de do. He is responsible for paying. See, government ko wo 5 rupya nahi mila na, government kisko aake pakdegi? Lekin usne bol diya bhai, government ne shopkeeper ko bola, dar mat, teri jeb se paisa nahi dena hai. You can shift the burden on Pushpa. Burden tere upar नहीं है, तू सिर्फ कलेक्ट करियो और हमें टैक्स दे देना. तुम क्या करना, टैक्स कलेक्ट कर दो और हमें टैक्स दे दो. करेक्ट. अगेन लेट्स अंडरस्टैंड, पुष्पा पेड हाउ मच फॉर दिस प्रोडक्ट? एवरीबडी लाउड एंड क्लियर, पुष्पा पेड हाउ मच फॉर दिस? 105. टू होम शॉपकीपर क्या करेगा? 100 रुपया जेब में डालेगा, 5 रुपया माने उसने 5 रुपए का बर्डन
पुष्पा पे डाला और उसने बोला आई एम जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू पे टू द गवर्नमेंट. बट यहाँ जब चमेली टैक्स पे करती है, बर्डन भी उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी. उसने रिटर्न नहीं भरा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया, गवर्नमेंट किसको जाके पकड़ेगी? चमेली को. गवर्नमेंट विल गो एंड पनिश चमेली. चमेली यू अर्निंग इनकम ना, इट्स डायरेक्ट टैक्स, पे इनकम टैक्स. चलो तुमको पे करने का, रिटर्न भी तुमको भरने का. इधर पुष्पा, हम पुष्पा के पास जाएंगे नहीं, हम किसके पास जाएंगे? शॉपकीपर. बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स बेटा. ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स. शॉपकीपर इधर आ, तेरे को बोला था ना 5 रुपए कलेक्ट करने का, बोलता लिया ना मैंने 105 लिया है, 100 मेरा, 5 आपका, दे दो गवर्नमेंट को 5. दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स वेयर बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन. बर्डन ऑफ 5 रुपीज किसके ऊपर है जल्दी बताओ? पक्का? पक्का क्या? मन बना लिया ना आपने? बर्डन किसके ऊपर है? एंड 5 रुपए पे करने की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉपकीपर के ऊपर है. एक हाथ दिन अगर उसका दोस्त आके बैठ गया, जैसे शॉपकीपर मूवी देखने चला गया, उसका दोस्त बैठा और शॉप में उसने कितने पैसे लिए? 100. अब गवर्नमेंट बोलेगी शॉपकीपर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तूने पुष्पा से लेना चाहिए था, तू भूल गया, ये तेरी गलती है, अब तेरी जेब से निकाल के दे देना. बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल. सो इनकेस अ शॉपकीपर फॉरगेट्स टू कलेक्ट टैक्स, कोई नहीं भूलेगा. ये जस्ट थेरोटिकल एग्जाम्पल है. वाई विल आई फॉरगेट? मैं क्यों अपनी जेब से दूंगी टैक्स? मैं तो पुष्पा से लूंगी. बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन कि बाय चांस दैट शॉपकीपर फॉरगेट्स टू कलेक्ट. क्या हो जाता है? शॉपकीपर फॉरगेट्स टू कलेक्ट, फिर क्या होगा? उसको जेब से निकाल के देना पड़ेगा. माने वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू से, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड. क्या बोला मैंने सेंटेंस? बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड. मतलब कस्टमर पे शिफ्ट कर दो. कस्टमर से लेना भूल गए. पुष्पा तुम्हारी स्कूल फ्रेंड निकली, तुमने डिस्काउंट दे दिया, ले लो बर्डन अपने ऊपर फिर. करेक्ट? बर्डन कैन लीगली भी, कोई शॉपकीपर गलत नहीं कर रहा है जब वो आपसे टैक्स ले रहा है, इट इज लीगली अलाउड. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड और बर्डन कैन बी शिफ्टेड बैकवर्ड. व्हाट डू आई मीन बाय बर्डन? एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, कम ऑन मैन. व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड? शॉपकीपर इज गोइंग टू कलेक्ट 5 रुपीज फ्रॉम पुष्पा. बर्डन कैन बी शिफ्टेड बैकवर्ड, शॉपकीपर फॉरगॉट टू कलेक्ट, नाउ ही विल हैव टू बेयर द बर्डन. तो बोलो मेरे साथ, कम ऑन, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड. अगेन अगेन, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड और बर्डन कैन बी शिफ्टेड बैकवर्ड. पक्का? पक्का? यस प्लीज. इट्स अ कंजम्पशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बेटा नेचर जो होता है ना, इट्स अ कंजम्पशन टैक्स. तुम्हें अगर कुछ कंज्यूम करना है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, सी दैट इज वाई इनकम टैक्स का नाम क्या है? इनकम टैक्स. इट्स अ टैक्स ऑन इनकम. बट व्हेन यू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑन माई एक्सपेंडिचर, ऑन माई कंजम्पशन, आई हैव टू पे टैक्सेस. दैट इज वाई द टैक्स इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इट इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मैम ये तो फिर नुकसान हो रहा है, ये सही नहीं है. आई टेल यू वन थिंग, अगर आप ये गुड्स बिजनेस के लिए खरीदते हो, बिजनेस के लिए, तो आपको उसका सेट ऑफ मिलता है. हाँ, वॉट इज दैट सेट ऑफ? ओ माई गॉड, होल्ड ऑन. पूरा चैप्टर है, पूरा आपको सिखाऊंगी. जब आप गुड्स बिजनेस के लिए खरीदते हो ना, तो घबराना नहीं बेटा. जो टैक्स है ना, उसका आपको बेनिफिट मिलता है. जो टैक्स पे किया ना, वो वेस्ट नहीं जाता है. उसका सेट ऑफ एक शब्द होता है. क्या होता है? सेट ऑफ. वो सिखाने वाली है मैम. पूरा आज ही सिखा दूं क्या? 3 घंटे में पूरा पिक्चर आज ही देखना है क्या? नहीं ना. हाँ, तो वो सेट ऑफ मिलता है. लेकिन अगर तू बिजनेस में नहीं है, जैसे तू है, कंजम्पशन कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा. सारा बर्डन कंज्यूमर पे आता है.
सो इफ यू हैव पेड टैक्सेस टू बाय एनीथिंग इट्स गॉन, इट्स योर कंजम्पशन के ऊपर भी अपने को टैक्स देना पड़ता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर क्या होता है? कंजम्पशन टैक्स. क्या टैक्स बोला जाता है उसको? कंजम्पशन टैक्स. ऑन द थिंग्स दैट यू कंज्यूम यूज फॉर योर सेल्फ यू हैव टू पे टैक्सेस. ऑन बाइंग ऑफ गुड्स, ऑन बाइंग ऑन सर्विसेज, ऑन कोचिंग फीस, यू ऑल हैव पेड टैक्सेस. समझ में आ रहा है? ओके, यस. नाउ बर्डन. चलो तो यहां पे चमेली के केस में बेटा बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन सेम पर्सन. बरोबर ना? ए लवकर सांगा. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन सेम पर्सन. करेक्ट आयुष. आईटीसी बोलते हैं उसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट. यस. घबराने का नहीं मैम, उनको ऑलरेडी पता है, मेरे को पता नहीं है. अरे एट द एंड ऑफ 3.5 मंथ सबको सब आने वाला है. ठीक है ना? कोई एबीसी लिखते वक्त पहले सीखता है, कोई बाद में सीखता है, बट टुडे ऑल ऑफ अस आर एबल टू राइट ना इन द स्कूल, इन द जूनियर और व्हाटएवर प्री स्कूल में किसी ने अल्फाबेट्स राइटिंग पहले सीख लिया, आपने बाद में सीख लिया, फर्क पड़ा है क्या? पढ़ा है क्या? ऑल ऑफ अस आर एबल टू राइट ना टुडे. सिमिलरली यू विल, एवरीबडी विल नो एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ 3.5 मंथ्स. इज दैट ओके? टेंशन लेने का नहीं कि उसको आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा है. हाँ अरे बाप रे क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, सब कुछ आएगा यार. रिलैक्स. आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम बेसिक. कुछ भी नहीं छूटेगा. इज दैट ओके? ओके तो बोलो. हाँ. बर्डन लिखा क्या? बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइव स्ट्रीमिंग वाले जल्दी, बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन सेम पर्सन. सेम पर्सन इधर एग्जाम्पल कौन है? चमेली. देखो ऐसे एग्जाम्पल्स देने से आपको याद रहता है, आप भूलोगे नहीं. अभी ये चमेली किधर काम कर रही है? इन्फोसिस. कितना सैलरी है उसका? 40 लाख. इसके ऊपर वो क्या पे करेगी? इनकम टैक्स. अपनी जेब से पे करेगी और डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके उसको ही पे करना है. मतलब या तो सीए को कॉन्टैक्ट करे या खुद से रिटर्न भरे, वो उसका काम है. बरोबर? अब पुष्पा. पुष्पा क्या कर रही है? शी इज बाइंग गुड्स एंड सर्विसेस. पुष्पा विल हैव टू बेयर. उसको जो 100 रुपए की चीज है आज कितने में मिलेगी? 105 में. 5 रुपया क्या है? जीएसटी. वो किसको देगी? डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके देगी? नो. वो किसको देगी? शॉपकीपर. शॉपकीपर किसको देगा? गवर्नमेंट को. दिस इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम पुष्पा. दैट इज व्हाई द नेम इज इनडायरेक्ट टैक्स. दैट इज व्हाई द नेम इज इनडायरेक्ट टैक्स. बरोबर? यस. हाँ बोलो. हाँ इंक्लूसिव आएगा. इंक्लूसिव नॉट 5. मतलब 100 डिवाइडेड बाय 105 इंटू, आई टीच यू दैट. इसको बोलते हैं हाजमोला क्वेश्चन. माने यू आर डूइंग बेबी स्टेप्स राइट नाउ. जब छोटा बच्चा था. कैन यू सी देयर इज अ एज फॉर एवरीथिंग. कैन यू जस्ट गेट अ 2-व्हीलर लाइसेंस इमीजिएटली? हाँ. व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड स्टार्ट्स ईटिंग, कैन वी फीड हिम बिरयानी इमीजिएटली? इंडाइजेशन हो जाएगा ना बेटा. हाजमोला क्वेश्चन. माने इस क्वेश्चन का जवाब आगे मिलने वाला है. मेरा हाजमोला क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि बेटा इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा. अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ? आपका बेस रेडी कर रही हूँ. मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है. 400 पेजेस ऑफ रामबाण इनकम टैक्स, 400 पेजेस ऑफ जीएसटी रामबाण, 800 पेजेस वी हैव टू लर्न बेटा. आज मैंने थोड़ा सा भी, मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने आज सब कुछ मेरा बताने का आज ये कर दिया. प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा. कंफ्यूजन किसको हो सकता है? यस. आई हैव टू टेल यू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू, सी आई नो दिस मच, दैट्स नॉट माई इंटेंशन. वॉट आई वॉन्ट टू डू इज टू डेवलप अ, आई वॉन्ट योर इंटरेस्ट टू बी डेवलप्ड इन दिस सब्जेक्ट. आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव अ फियर ऑफ दिस सब्जेक्ट. टैक्स इज वास्ट, इतना डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. सो टैक्स इज ईजी. क्या बोलने का? टैक्स इज स्कोरिंग. बोलो जरा. टैक्स इज, पहले टैक्स इज ईजी, टैक्स इज मज्जा. Do you understand that? Yes. You will know everything. Do not worry about it. But I have a right time to tell you these things. Do you understand this? Okay, everybody. All right. So ये लिखा क्या तुम लोगों ने? Neighbors check करो. किसी की book incomplete होगी ना, उसके neighbor को punishment मिलेगी. किसको punishment मिलेगी? Left और right दोनों वाले को. चलो check करो लिखा है कि नहीं लिखा है. अरे लिखो ना यार.
हाँ निशा, शॉपकीपर को बस 100 उस 100 पे देना पड़ेगा। यस, अब सुनना, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जरा कोई समझाएगा, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब क्या? मतलब आप 5 रुपए पुष्पा से कलेक्ट कर सकते हो। आर यू लीगली अलाउड? यस, बट पुष्पा इज योर स्कूल फ्रेंड। उसे पुष्पा बोलते यार कुछ डिस्काउंट नहीं, उसे ओके चल तू 100 दे दे टैक्स का, मैं देख लूंगा। तो आप आपकी जेब से 5 रुपया दोगे। ओके, यस, सो बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब किसके ऊपर? पुष्पा। बैकवर्ड मतलब? जनरली विल आई डू दैट, आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर। अभी कस्टमर कौन है? पुष्पा है, तो इसलिए कभी आपने डिस्काउंट दे दिया तो ठीक है, लेकिन जेब से देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चलो, और नेक्स्ट डिफरेंस क्या पता है आपको? बोलते क्या जरा? हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। मैम, एमआरपी में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। यस, सर्टेन गुड्स द टैक्सेस आर इंक्लूडेड ऑन एमआरपी में इंक्लूडेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यस, अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है मुझे बताओगे क्या? डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव। वैसे बता दू, टैक्स का लेक्चर भी कैसे होने वाला है? प्रोग्रेसिव। Every day you come, you will understand it better and more, that is progressive. So progressive and regressive. बोलो क्या है बेटा? Progressive and regressive. So we have progressive and regressive. ठीक है? I'll explain what it is. देखो, if somebody Mukesh Ambani is earning so much, he should pay more tax. Economy, economics. There is have and have nots. ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा उसको याद। क्या हो गया बेटा? बहुत परेशान हो गए वो, नहीं याद आ रहा है। Have, अरे कुछ डर मत। Haves and have not, मतलब जिन लोगों के पास पैसे है और जिनके पास पैसे नहीं है, उनको एक साथ लेके चलना है हमें। तो जिनके पास ज्यादा पैसे है वो ज्यादा टैक्स देते, दे पे मोर टैक्सेस। ओके, उनके लिए एडिशनल टैक्स लगाते, सरचार्ज। क्या लगाते? सरचार्ज। पता है जिनका इनकम 50 लाख के ऊपर है ना, उनको एक एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, कॉल्ड एज सरचार्ज। हाँ मैम, व्हाट इज सरचार्ज? नॉट नाउ, सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स। व्हाट इज सरचार्ज? एडिशनल टैक्स। अच्छा मैम ने ऐसा कुछ तो बोला यार, जिनका इनकम 50 लाख के ऊपर है ना, उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। व्हाट इज सरचार्ज? एडिशनल टैक्स। कम ऑन, व्हाट इज सरचार्ज? एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स व्हेन योर इनकम एक्सीड्स 50 लाख। व्हेन योर इनकम एक्सीड्स 50 लाख, देन यू हैव टू पे एन एडिशनल टैक्स कॉल्ड एज सरचार्ज। ओके, यस, सो मुकेश अंबानी पे सरचार्ज लगाएंगे, लेकिन जो कम इनकम अर्न कर रही है, जिसका इनकम कम है, उस पे सरचार्ज नहीं लगेगा। इज इट फेयर? यस, पर्सन हु इज अर्निंग मोर शुड कॉन्ट्रीब्यूट मोर। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव इन नेचर। दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मीन्स एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल इंक्रीज। बोलना, व्हाट इज प्रोग्रेसिव? एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल इंक्रीज। फिर से बोलना, एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल इंक्रीज। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा, आपका टैक्स भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप रोज क्लास में आते जाओगे, आपका नॉलेज भी बढ़ते जाएगा। एवरी डे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ टैक्स एंड न्यू थिंग्स। नो मिसिंग ऑफ क्लासेस, नो मिसिंग ऑफ लेक्चर्स। इज दैट क्लियर? यस। हाँ, आगे। अच्छा, टेल मी वन थिंग, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई एम द शॉपकीपर। मुकेश अंबानी अपना ड्राइवर भेजता है, सेक्रेटरी को भेजता है, बोलते जाओ दूध लेके आओ, जाओ बिस्किट्स लेके आओ, जाओ एसी लेके आओ, जाओ गाड़ी खरीद के आओ। टैक्स रेट इज गोइंग टू बी सेम वेदर मुकेश अंबानी कम्स टू बाय और चंपा, पुष्पा, चमेली, एनीवन कम्स टू बाय। हाउ डज द शॉपकीपर नो? शॉपकीपर बोले ये रुक जा इनकम बता, फिर मैं बताऊंगा क्या प्राइस है। ऐसा होता है क्या? तुम बोलो ना, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल है क्या ऐसा करना? देखो, मुकेश अंबानी आ गया तो मैं उसी प्राइस पे प्रोडक्ट बेचूंगी, चंपा, चमेली, पुष्पा आएंगे तो भी मैं उसी प्राइस में प्रोडक्ट बेचूंगी ना बेटा। कैन आई हैव सेपरेट प्राइसेस? शॉपकीपर बोलेगा यार
एक तो तुमने मुझे एजेंट बना दिया, तुम्हारा 5 रुपया टैक्स ले रहा हूँ, उतना बस है यार, मुझे और काम मत दो, मुझे बिजनेस करना है कि सामने कस्टमर का इनकम पूछते बैठू, अरे तेरा इनकम कितना है, हाँ तेरे लिए ये प्राइस है, रुक मैं रजिस्टर में देखता हूँ तेरे लिए टैक्स का रेट क्या है। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर ही ऐसा है कि सबके लिए टैक्स रेट इज गोइंग टू बी द सेम, सबके लिए टैक्स रेट इज गोइंग टू बी द सेम, इज दैट क्लियर? यस। तो भले मुकेश अंबानी आ जाए, चंपा, पुष्पा, चमेली, कोई भी चला जाए, सबके लिए टैक्स रेट इज गोइंग टू बी द सेम। दैट इज व्हाई प्रोग्रेसिव को ऑपोजिट रिग्रेसिव, द टैक्स रेट इज द सेम। बट कैन वी डू समथिंग, कुछ तो जुगाड़ कर सकते क्या अपन इसको? हाँ, यस, वेरी गुड। लग्जरीज पे ज्यादा टैक्स लगाओ, नेसेसिटीज पे कम टैक्स लगाओ। लग्जरीज, इंपोर्टेड गाड़ियां, जो लग्जरी गुड्स है उस पर टैक्स का रेट ज्यादा लगाओ, और जो नेसेसिटीज है उस पर टैक्स का रेट कम लगाओ। एटलीस्ट ये एज अ गवर्नमेंट तो आप कर सकते हो, है कि नहीं? सो डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, म्हणजे काय? एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल इंक्रीज, बोलना क्या? एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल इंक्रीज। एंड व्हाट इज रिग्रेसिव? सेम एग्जांपल, मुकेश अंबानी, चंपा, चमेली, पुष्पा, सबके लिए सेम, सबके लिए प्राइस सेम। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? यस। सो वन इज प्रोग्रेसिव, वन इज रिग्रेसिव, करेक्ट। एग्जाम्पल्स, इनकम टैक्स, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और इसका एग्जाम्पल बहुत है इसमें बेटा, अभी तो जीएसटी, और भी है क्या क्या टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्स में बताती हूँ, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स है, सब बताती हूँ, घबराना मत। हाँ, तो जीएसटी, अरे 10 बज गए क्या? अच्छा, और डिफरेंस, एक मिनट, ये तो खत्म करता है ना, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट टैक्स, एक चीज बोलो ना, मैंने थोड़ा सा भी टैक्स रेट बढ़ा दिया ना, तुरंत चमेली नाराज हो जाएगी, बट पुष्पा आई, मैंने उसको बोला 105 की जगह पे इसका प्राइस अभी 106 है, बोलेगा अच्छा शायद महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन है, वो ध्यान भी नहीं देगी इसमें से कितना टैक्स दिया। इनडायरेक्ट टैक्स ना आप इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हो ना, तो लोगों को उसका पिंच फील नहीं होता है, उनको उनका बर्डन इतना समझ में भी नहीं आता यार टैक्स ले लिया, क्योंकि इनडायरेक्टली ले लिया, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स का पिंच इज इमीडिएटली फेल्ट, बट इनडायरेक्ट टैक्स का पिंच इज नॉट फेल्ट, मतलब उसका दर्द नहीं होता है। लेकिन मैंने चमेली को थोड़ा सा टैक्स ज्यादा बोल दिया देने को, तो चमेली को दर्द होगा, लेकिन पुष्पा को बोला 105 की जगह पे आज से इसका प्राइस 106 है, तो उसको दर्द नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या? यस। सो वन केस यू फील द पिंच, एंड द अदर केस द पिंच इज नॉट फेल्ट डायरेक्टली। ओके, चलो फटाफट समाप्त करते फिर ब्रेक लेंगे। डायरेक्ट टैक्स का बोलो क्या है? डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन सेम पर्सन। आईयो, अपना पर्सन कौन है? चमेली, करेक्ट। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन टू डिफरेंट पर्सन, बर्डन ऑन पुष्पा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शॉपकीपर, पुष्पा टू शॉपकीपर, शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। चलो जल्दी, पुष्पा टू क्लियर, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड, कैन बी शिफ्टेड बैकवर्ड, वेरी गुड। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स इंक्रीजेस, एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स इंक्रीजेस, बट व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस? दे आर रिग्रेसिव, दे कांट बी प्रोग्रेसिव बेटा। आई कांट से, अच्छा यो मुकेश अंबानी तो तुम्हारे लिए ये प्राइस है, यो चंपा तुम्हारे लिए ये प्राइस है, आई कांट डू दैट, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। वॉट बेस्ट आई कैन डू? लग्जरीज एट हाई रेट, नेसेसिटीज एट लो रेट ऑफ टैक्स, ठीक है? यस। देन एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और इसका एग्जाम्पल है जीएसटी, इज दैट ओके? या एनीबडी हैविंग डाउट टिल नाउ? कुछ तो पूछो यार, नहीं तो ब्रेक ले ले। ओके, एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक, 10 to 12 मिनट्स, आज 12 मिनट्स करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आपको ढूंढना पड़ेगा, बट सब यहीं पे मिलता है, अमर यास फ्लोर वाले का 3rd फ्लोर ले, हाँ इससे एक फ्लोर नीचे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा,
So one floor down you will get breakfast, chai, coffee. Eat and come. If time is not sufficient, get it to the class. Live streaming, आप तो घर पे ही हो तो फटाफट आप breakfast करके आ जाइए. We'll meet in exactly 12 minutes. Okay? So break stream honest है वो. Live stream ऐसा ही on रखेंगे. Break सा है ककाई? हाँ? हाँ, screen loud. 10 एक मिनट था हम. 10 minutes break. Yes, okay, so see you soon, okay? मला पण काहीतरी खायला घेऊन ये ना, पोहे आण. Okay, if live streaming students are also having doubts, you can ask after breakfast, no problem. Okay, Suraj. अरे, open that door also ना, so you all can also go out. एंड बाद में थोड़ा इस साइड भी शिफ्ट हो जाना. एवरीबडी सिटिंग ऑन दैट साइड. सिट वेयर एवर, दैट्स नो प्रॉब्लम, बट गो आउट फास्ट, कम बैक फास्ट. दरवाजा खोलो. क्या तुम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए हो क्या? फिर भी एक 5 मिनट बाहर जाके आओ, उसे चार्ज अप हो जाते हैं हम लोग एक ही जगह पर बैठने से. जा तो फिर भी एक टहल के आ जा बेटा, जा. हाँ, एक 2 मिनट से जाना बाहर, ऐसे वॉक लेके वापस आ जाना. Yes, yes, tell me. Stationery is on ground floor na, but I think second, third pe bhi shop hai, but sabse zyada ground floor pe. You are not allowed to use the lift, by the way. Yes. Haan, so if nahi to 500 rupaye ka chalan kat jayega aapka. Haan? Can we? No, you can't. You can't. बोलो बेटा. हाँ, नॉर्मल वाला, जीएसटी वाला एग्जाम में अलाउड नहीं होता. हाँ, हेलो.
हाउ मच टाइम वी हैव मोर? आ जाओ ना, कम दिस साइड, कम ना, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस, कम कम दिस साइड. दोन मिनटात करू. क्या रे, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई क्या? बैठने की जगह नहीं है तुम लोगों को, हमने कब्जा कर लिया तुम्हारी क्लासरूम पे. हुई है, अभी ब्रेक है. हाँ तू जा अभी जा. हाँ हाँ बैठो ना, सिट. ऑन है, एक पांच दोन मिनटात करेगी ऑन. सब आ जाओ अंदर. ओके करू क्या स्टार्ट? आ गए सब लोग, कमान आ जाओ जल्दी अंदर. ये ओल्ड बैच स्टूडेंट्स, इनके ग्रुप टू, ग्रुप टू. अभी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई इस क्लास? नो स्पेस नीचे, टैक्स करके बैठ बोल रहे, टैक्स करके जाओ. अभी टाइम है ना अभी स्टार्ट होने में तुम्हारा. तुम आनंद सर को बोलो, वो वर्चुअल का कुछ कर देंगे. आज एक दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, कल से सेट हो जाएगा बेटा. चलो बाय. नीचे ग्रुप टू की क्लासेस चल रही है ना, सो दे फिनिश ग्रुप वन एंड नाउ ग्रुप टू क्लासेस आर गोइंग ऑन. वी विल स्टार्ट नाउ. एवरीबडी बैक. अमर ऑन कर लाइव. ओके come on everybody, clap your hands and get charged for the remaining session. Come on loudly. Yes, so our break is over. I hope you are all charged up now for remaining session. Zyada nahi hai abhi, exactly an hour we have. 11:15 I'll be leaving you, so a little less than 1 hour that we have. Okay, now kal ya parso main aapko ek booklet dene wali hu. कल या परसों मैं आपको एक बुकलेट देने वाली हूँ, विच इज नो टैक्स और अंडरस्टैंडिंग टैक्स प्रैक्टिकली. क्या बोलने वाले, उस बुकलेट का नाम क्या होने वाला है? अंडरस्टैंडिंग टैक्स प्रैक्टिकली. नाउ अंडरस्टैंडिंग टैक्स प्रैक्टिकली मीन्स व्हाट? एवरी चैप्टर नेम इज बीन रिटन देयर. मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी वो रिटर्न में कैसे दिखता है वो मैंने मार्क करके दिखाया. जैसे कि यहाँ स्क्रीन के सामने क्या है आपके, ये व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन? दिस इज एन इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट बेटा. क्या ही है एक्नॉलेजमेंट? माने आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भर दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट है ये. उस एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या है ये देखो. यहाँ रिटर्न के टाइप्स होते हैं, एक रिटर्न होता है ओरिजिनल और एक होता है रिवाइज. आपने अगर गलती कर दी रिटर्न भरने में कुछ, तो क्या आपको मौका मिलता है उसको रिवाइज करने का? हाँ, तो रिटर्न हो सकते हैं ओरिजिनल या रिटर्न हो सकते हैं रिवाइज. तो ये मैं कहाँ सिखाऊंगी? रिटर्न के चैप्टर में. तो देखो यहाँ ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने सिखाई है वो ऐसी की ऐसी आपको
ITR रिटर्न में दिखने वाली है. दिस इज फ्रॉम द रिटर्न चैप्टर. देयर विल बी सम कॉन्सेप्ट. सी कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, ये मैं अभी आपको चैप्टर वन में सिखाने वाली हूँ. जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे दिखता है ये हम बिल्कुल देखेंगे. सो यू हैव टू कैरी दिस बुकलेट एवरी डे एंड देन मे बी वेन वी फिनिश अ चैप्टर वी लुक एट द बुकलेट की यार प्रैक्टिकली हाँ जो हमने पढ़ा और वो प्रैक्टिकली कैसा है. So you will carry this booklet. Of course, when will we get the booklet? I will be giving it to you tomorrow. Live streaming and all, आपको soft copy इसकी share कर दी जाएगी. तो आपको ये booklet मिलेगा और आप देख पाओगे फिर इसको. So जैसे इस booklet में है return filing. See, return has to be signed. There's agricultural income. कितना tax pay किया आपने. See, tax. Interest, total tax that you have paid, total taxes paid. We're going to learn how to calculate this. We're going to learn how to calculate tax, how to calculate surcharge, how to calculate cess. Kuch income exempt hota hai, maane jispe apne ko tax nahi dena padta. Exemption samajhte ho na? Aapko subject mein exemption milta hai. Matlab chhoot milti hai wo paper fir se dene ke. Kab milta hai exemption? 60 ke above na? To yahan pe bhi income tax bolti hai, yaar kuch income pe tax mat dena. जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम पे हम टैक्स नहीं लेते, इसको बोलते हैं एग्जम्प्ट इनकम. इसको क्या बोलते हैं? एग्जम्प्ट इनकम. सो देखो एग्जम्प्ट इनकम ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है. टैक्स मत दो, सिर्फ बता दो तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम कितना है. एग्जम्प्ट इनकम आपको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को. सो सी ये है आपका रिटर्न्स का चैप्टर है. कुछ चीजें हम AY और PY ईयर्स होते हैं. ईयर फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज दैट ईयर? आई एम गोइंग टू मे बी टीच यू इन टुडेज लेक्चर, टुमारोज लेक्चर, बट व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू दिस इज एक्चुअल. अच्छा बाय द वे ये कोई मैंने मन से बनाए हुए कोई भी चीज़ नहीं, ये रियल लाइफ फॉर्मेट्स है. ये मैंने मेरे हाथ से कुछ नहीं बनाया, ये हमारे क्लाइंट्स के भरे हुए रिटर्न है जहाँ पर मैंने डेटा को डिस्क्लोज नहीं किया है या नाम चेंज कर दिए, डेटा चेंज कर दिया है, कहाँ फिगर्स को क्रॉस क्रॉस कर दिया है, नाम हमने कुछ और डाल दिए. तो आत्माराम तुकाराम भिड़े. तो ऐसा मेरा कोई भी क्लाइंट नहीं है और मैं मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ऑब्वियसली नहीं करूँगी, राइट? सो दिस इज माई क्लाइंट्स डेटा. सो आर यू अ रेसिडेंट और आर यू अ नॉन रेसिडेंट, ये मैं आपको सिखाती हूँ इन द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. यू नो रेसिडेंट माने जो इंडिया में रह रहा है, नॉन रेसिडेंट मीन्स ही इज नॉट लिविंग इन इंडिया. तो यार मैम एनआर का क्या करना है हमें? एनआर को क्यों टैक्स पे करना होता है? क्या रे ओए लास्ट बैच वाले, एनआर को क्यों रे टैक्स पे करना है यहाँ पे? क्या इनकम इधर कमा रहे इसके लिए? हाँ, तो इफ एनआर इज पेइंग टैक्स इन इंडिया देन ही विल हैव टू पे टैक्स. ही इज अर्निंग इनकम इन इंडिया देन ही मस्ट पे टैक्स इन इंडिया. यार तुम इंडिया से इनकम कमाओगे तो इंडिया को टैक्स तो देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? सो यू आर अर्निंग इनकम इन इंडिया तो यू बेटर पे टैक्सेस टू अस इन इंडिया. सो कभी कभी एनआर को भी टैक्स देना पड़ता है. कभी कभी एनआर को भी टैक्स देना पड़ता है. सो आर वी गोइंग टू लर्न दैट? यस. आज अभी मैं आपको क्या करने वाली हूँ, सिर्फ मुंह दिखाई ऑफ ऑल द चैप्टर्स. यू विल कम टू नो द चैप्टर्स के नाम बस, है ना? सो आई विल टेल यू व्हाट ऑल टॉपिक्स, व्हाट ऑल चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न. सो ये जो है ये आपका है अंडरस्टैंडिंग टैक्स प्रैक्टिकली, जहां पे एरो मार्क करके जो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई है वैसी की वैसी आपको रिटर्न्स में दिखेगी. अगर मैं जो AIS की आज मैंने आपसे बात की थी, आई एम जस्ट सीइंग, अगर मुझे AIS भी यहाँ पे दिखा तो मैं वो भी आपको डिस्क्लोज करती हूँ. जो AIS की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, शुड बी देयर. ITR है ये, ITR 3, अलग अलग ITR फॉर्म्स होते हैं बेटा. सैलरीड पर्सन का होता है ये फॉर्म 16, कैसे आता है यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस. आर इनकम टैक्स पोर्टल लुक्स लाइक दैट, योर प्रोफाइल. क्या AIS था सेकेंड या थर्ड? AIS था सेकेंड या थर्ड पेज पे था, चेक करते रुको. 26 AIS आ गया, रुको अब आना चाहिए. AIS इधर भी आना चाहिए एक्चुअली. ये पैन कैसे दिखता है आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर कैसे होते हैं, आई विल बी टीचिंग यू दैट. ओके, सो यू सेइंग सेकंड और थर्ड पेज बेटा? ओके, नहीं क्योंकि AIS के बारे में आज ही हमारी बहुत अच्छी
चर्चा हो गई है, TIS है यहाँ पे. ओके ठीक है, आई टोल्ड यू ना दिस AIS भी हो सकता है, या उसको क्या बोल सकते हैं, TIS. TIS इज टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी स्टेटमेंट. तो AIS में एक एनुअल होता है, TIS भी होता है. मैम व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस, वन रिपोर्ट इज अ समराइज वन एंड वन इज अ डिटेल्ड वन. तो देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. सी हियर द टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन, ये इनकम टैक्स आपको बता रहे भाई साहब कि रेंट रिसीव्ड कितना है. कौन बता रहा है ये? इनकम टैक्स बता रहा है. आपके क्लाइंट ने शायद आपको नहीं बताया होगा, बट इनकम टैक्स बता देगा कि क्लाइंट का रेंट रिसीव्ड इज सो मच, प्रोसेस्ड वैल्यू, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स. ये देखो ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेटा, इनकम टैक्स इज गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन. इनकम टैक्स इज गिविंग, कम नो व्हाट हैपेंड, कम है, इनकम टैक्स इज गिविंग अस दिस इन्फॉर्मेशन, राइट. तो आपका रेंट कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, इनकम टैक्स रिफंड मिला, आपकी बिजनेस रिसीट्स, बिजनेस एक्सपेंसेस, आपने कैश कितना डिपॉजिट किया, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? बैंक से. जहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज और सेल करते हो वहाँ पे भी आप आधार और पैन देते हो, इनकम टैक्स का उनके साथ टाइप है, इनकम टैक्स का बैंक के साथ टाइप है, इनकम टैक्स का क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ टाइप है, इनकम टैक्स का म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ टाइप है, वो सब एक टीम में, ठीक है, दे आर इन वन टीम एंड वी आर इन अनादर टीम. ओके सो यू हैव टू फाइट विद ऑल ऑफ देम, यू हैव टू सी वॉट क्रेडिट कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने बोल दिया कि क्रेडिट कार्ड का आपने बिल पे किया 20 लाख का, क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया 20 लाख का, ITR भरा 2 लाख का, आइयो इनकम दिखाया 2 लाख का, क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया 20 लाख का, नोटिस आ जाएगी, मिसमैच इन एक्सपेंसिस एंड इनकम शोन. इनकम टैक्स को सब पता है, बी वेरी केयरफुल. चोरी करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है तो ऐसी करो, पकड़े ना जाओ, और बिल्कुल लीगली करो इन टैक्स प्लानिंग. लूप होल ढूंढ के बेनिफिट्स अच्छे से लेके फिर करो, ऐसे ही नहीं करना है. ऐसे कुछ स्टूपिड सी अगर क्लाइंट को सजेशन दे दोगे तो हो गया फिर तो आपका, है ना, समझे क्या? हाँ, सो दिस इज AIS, जहाँ पे आपने कितने म्यूचुअल फंड्स खरीदे, क्या सिक्योरिटीज सेल करी, ये सब सब डिटेल्स इनकम टैक्स को पता है. दिस इज एक्चुअली आई हैव टेकन आउट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डाउनलोड किया हुआ है, कुछ भी मैं आपको फेक नहीं दिखा रही हूँ, जो भी है ये रियल है एंड दीज आर द एक्चुअल वंस. थोड़ा आगे जाएंगे तो इनकम टैक्स की साइट, रिटर्न्स भरने का प्रोसेस, ये भी दिखाऊंगी, बट टुडे You are not capable for that. थोड़ा सा आप समझोगे तब मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी. Is that okay? Yes. There was a query here कि मैम बुक्स नहीं मिली है, तो बुक्स मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ITR का फॉर्मेट और GSTR का फॉर्मेट कौन बनाएगा, कौन बनाएगा बताओ जरा, सूरज की क्वेरी है. ITR का फॉर्मेट कौन बनाएगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाएगा. हाँ, तुम्हारा ICI को तुम जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है उसका फॉर्मेट कौन बनाता है? ICI. तो मुझे जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर्मेट में ही बनाऊंगी ना, तो गवर्नमेंट ही रिटर्न्स का फॉर्मेट बनाती है. कौन बनाता है? गवर्नमेंट. अच्छा, तो गवर्नमेंट सब जगह नहीं पहुंच पाएगी, गवर्नमेंट के नीचे लोग होते हैं जो काम करते हैं, CBDT होता है, वो फॉर्मेट बनाता है, तो वो अब आपको मैं सिखाऊंगी. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई गो हेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको समझ में आ गया, ये भी आपको बताना है. आई टेल यू दिस ऑल्सो, देर अ वेरी नाइस स्टोरी फॉर दिस ऑल्सो. आई टेल यू, मैं पूरा टैक्स है ना आपको मस्त स्टोरी के फॉर्म में बोलूंगी, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी आपकी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी. जैसे आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझा, सबको ध्यान में आ गया. यस, अनडिस्क्लोज इनकम का टैक्स रेट बताया 78%. AIS इज एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी स्टेटमेंट, एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी. इसमें इनकम टैक्स के पास आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको दे देंगे वो. इज दैट क्लियर? ये कहाँ से मिलती है? इनकम टैक्स के पोर्टल से. कहाँ से मिलता है? इनकम टैक्स के पोर्टल से. मैम वो तो ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स को कहाँ से मिलती है इन्फॉर्मेशन? उन्होंने टीम बना ली है. कौन कौन है इनकम टैक्स की टीम में? बैंक, रजिस्ट्रार ऑफिसेज जहाँ पे प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है, रेंटल एग्रीमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ट्रैवल कंपनीज. ओके, सो यू बाय एनीथिंग, यू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, योर रिकॉर्ड इज गोइंग टू गो देयर. यू बाय पे क्रेडिट कार्ड. आई टोल्ड यू अ क्लाइंट ऑफ माइन, आई गॉट अ क्लाइंट बिकॉज ही पुट इन मनी इन टू सेविंग्स बैंक अकाउंट.
कैश डिपॉजिट्स, यहाँ देखा आपने अभी टीआईएस में मैंने दिखाया था एक सेकंड पहले कि कैश डिपॉजिट, सो डिपार्टमेंट को दिख गया कैश डिपॉजिट 20 लाख सेविंग अकाउंट में, रिटर्न नॉट फाइल्ड, आ गए उसको नोटिस that you have a cash deposit of so much in your savings account, but you've not filed the return. आ गया client, तो मैंने क्यों नहीं return भरा, इसलिए मैंने property बेची, I thought government को कैसे पता चलेगा. तो पता चल गया, notice आ गई, return भर दिया, penalty भर दी, interest भी भर दिया हमने. समझा आपको? Yes, तो government knows a lot of your information. Now, direct indirect tax के example कर दिए, किसी की query थी live streaming पे, मैम व्हाट इज द बेनिफिट. यस शिव कुमार, बस 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 इतनी बार मत टाइप कर यार, कितनी बार क्वेश्चन टाइप करेगा, रुक जा जरा. मैम व्हाट विल बी द बेनिफिट इफ द शॉपकीपर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैम मैं ना गवर्नमेंट का एजेंट टू एजेंट, आई एम कलेक्टिंग टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट, मुझे कमीशन मिलता क्या? काट डालूंगी. नहीं मिलता है कमीशन. कमीशन मिलता है क्या? नो, यू आर डूइंग इट फॉर योर कंट्री. You, ma'am, I don't like it. I don't want to do it. You don't have an option. It is a statutory requirement. You live in India, you have to follow all the statutes of India. Tumhara choice nahi hai beta. This is a statutory obligation. Ma'am, I don't like ICS 40 marks. Why don't they make passing at 35? Aur hai? Why don't they make? Matlab kya tum law banane ko aaye kya law seekhne ko aaye? Seekhne ko aaye beta, banane ko nahi aaye apan law. Apan law सीखने को आए, बनाने को नहीं आए. मैम व्हाई नॉट 35? आईसीएस डिसाइडेड 40, लेट इट बी 40. इनकम टैक्स गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नो, वी वांट टू कलेक्ट इट इनडायरेक्टली, लेट देम कलेक्ट ना इनडायरेक्टली. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. सो शिव कुमार, तुम्हें कोई कमीशन नहीं मिलेगा बेटा. योर कमीशन रिक्वेस्ट हैज बीन डिनाइड. आपको नहीं मिलने वाला कमीशन और आपको ये काम करना पड़ेगा. तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये काम ना करने पे पनिशमेंट जरूर मिलेगी. पनिशमेंट जरूर मिलेगा फॉर नॉट फॉलोइंग द गवर्नमेंट. कि एज अ शॉपकीपर, एवरी शॉपकीपर हैज टू कलेक्ट एंड पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. इफ यू डोंट डू, देयर विल बी अ पनिशमेंट. तो इस पनिशमेंट से बचना चाहते हो तो करना पड़ेगा. दैट्स द बेनिफिट. ओके, नाउ यस, सीएमए स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो डू दिस. नाउ एग्जम्पशन ऑन माई इनकम टैक्स रिटर्न. शिव कुमार, तो सारे सवाल एक ही दिन में पूछने वाला है क्या? क्या रे बेटा, रुक जा ना जरा. रुक जा, पहले एक सवाल का जवाब दे दिया, वो समझा ना, तो मेरे को थम्स अप भेजने का. चल पहले थम्स अप भेज यहाँ पे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. ये देखिए सिमरन, मैम गोल्ड और शेयर बाय किया तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? गोल्ड का नहीं पता चलेगा, गोल्ड का नहीं था, शेयर्स का. आईपीओ में शेयर्स खरीदा तो यू हैव टू गिव योर केवाईसी, पैन कार्ड आधार देना पड़ता है, तुरंत आपका इंफॉर्मेशन पता चलता है. ठीक है? यस. ओके, नाउ आगे जाएंगे. अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ टैक्सेस, आपको बता दिए. अब मैं आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक स्टोरी बताती हूँ. पहले तो ये बताओ बेटा कि टैक्स लेवी करने के लिए, कोई भी टैक्स लेवी करने के लिए, हु शुड, हाउ कैन द गवर्नमेंट लेवी अ टैक्स? मतलब उनकी मर्जी. जैसे नरेंद्र मोदी जी आ गए 8 नवंबर को, बोल दिया आज से ये सारे नोट्स इलीगल है, नहीं चलेगा. तो कैसे, ऐसे कोई भी आके गवर्नमेंट बोल सकते कल से मैं हम कोविड टैक्स लेने वाले, क्योंकि कोविड में हमारा बहुत खर्चा हो गया, हम एक कोविड टैक्स लगाने वाले, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं? क्यों रे? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ क्या रे? कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि गवर्नमेंट किसको पावर्स देती है? गवर्नमेंट को, सॉरी, पावर्स कहां से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? सो गवर्नमेंट गेट्स इट्स पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में केजरीवाल को बोल दिया, सुन, योर टेरिटरी इज दिल्ली. केजरीवाल इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट. देखो गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये सब है ना, तुमको फाउंडेशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि थ्री टायर सिस्टम है. वी हैव कॉरपोरेशन, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, देन वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट. ये तुमको कुछ भी नहीं पता है, डायरेक्ट तुमको भेज दिया इंटरमीडिएट में, जाओ इनकम टैक्स पढ़ के आ जाओ. थोड़ा तो बेसिक पता होना चाहिए कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, हम मैं सिखा दूंगी आपको, है ना? तो अब ये क्या है, ये केजरीवाल, केजरीवाल नहीं है, ये कौन है? स्टेट गवर्नमेंट. और मोदी जी कौन है? मैम वी हैव अ थ्री टायर सिस्टम. व्हाट? टियर, टी आई ई आर,
नॉट टायर. वी हैव अ थ्री टीयर सिस्टम, मतलब लेवल, तीन लेवल का गवर्नमेंट है अपना, स्टार्टिंग विथ लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. चलो बोलो जल्दी, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट. हाँ, अब मोदी जी ने नहीं, अब केजरीवाल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा. आई एम, मेरा टेरिटरी क्या है? दिल्ली. मोदी जी का टेरिटरी क्या है? पूरा इंडिया. मोदी जी का टेरिटरी क्या है? पूरा इंडिया. और केजरीवाल बोलेगा मेरा टेरिटरी क्या है? दिल्ली. चलो, अब दिल्ली में मेट्रो फ्री, वाटर फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, फ्री फ्री सब फ्री हो गया. अब पैसे किधर है? गवर्नमेंट के पास. तो केजरीवाल बोलते हैं अभी अपन एक और टैक्स लगाएंगे, कोविड टैक्स. क्या टैक्स लगाएंगे? कोविड टैक्स. फिर मोदी जी बोलते रहे आप नहीं लगा सकते ऐसे. बोलते नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टोल्ड मी आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, आई कैन डू इन दिल्ली. आई वांट टू लेवी कोविड टैक्स, आई वांट टू लेवी इनकम टैक्स इन दिल्ली. अरे मोदी जी बोलते मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स ले रहा हूँ, तुम क्यों ले रहे? अरे दिल्ली मेरा है, मुझे जो लेना है मैं ले सकता हूँ. ऐसा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर्स एंड हैज मेड लिस्ट फॉर द गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम सिर्फ ये टैक्स ले सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट तुम सिर्फ ये टैक्स ले सकते हो, और लोकल अथॉरिटी आप कौन से टैक्स ले सकते हो. तो ऐसी लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है. मैं मेरे मन से कोई भी तीसरा, चौथा और कोई भी टैक्स, कोविड टैक्स वगैरह वगैरह, ऐसे कोई भी टैक्स हम लेवी नहीं कर सकते. सो कैन गवर्नमेंट लेवी एनी टैक्स दैट दे विश टू? नो दे कैनॉट. विच टैक्स शुड दे लेवी? द टैक्सेस दैट आर मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Constitution of India will give powers to the government and only then the government can levy the taxes. And only then the government can levy taxes. अब कौन सा tax कौन levy करेगा ये constitution ने decide कर दिया. जो taxes central government की list में आएंगे वो पूरे India में levy होंगे. जो taxes state government की list में आएंगे वो आप सिर्फ अपने territory में ले सकते हो. जैसे कि income tax, ये आता है मोदी जी के list में. माने बेटा समझ लो एक बात, आप गुजरात में इनकम अर्न करो, दिल्ली में अर्न करो, पूना में करो, कहीं साउथ में करो, एनीवेयर इन इंडिया द इनकम टैक्स एक्ट इज द सेम, द रूल्स आर द सेम, द एक्ट इज गोइंग टू बी सेम, द रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम. कोई टैक्स के रेट्स अलग नहीं है. वी हैव ओनली वन इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया. वी हैव ओनली वन इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया. से आपको पढ़ना है ना तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, अच्छे से आपको पता होना चाहिए यार इनकम टैक्स एक्ट. अच्छा गुजरात में क्या सीन है, बंगाल में क्या सीन है, महाराष्ट्र में क्या सीन है, सब जगह इनकम टैक्स इज द सेम बिकॉज इट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस टू होल ऑफ इंडिया. बट क्योंकि इनकम टैक्स मोदी जी की लिस्ट में आता है तो क्या इनकम टैक्स केजरीवाल लगा सकते हैं क्या? नहीं, केजरीवाल जी इनकम टैक्स लेवी नहीं कर सकते. बोलते नहीं नहीं मुझे तो लेना है दिल्ली से लेना है. नहीं, आप नहीं ले सकते. कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर, सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हु इज अबाव यू? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल गिव पावर्स, ओनली देन द गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस. इनफैक्ट जीएसटी को लेके आने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना पड़ा था, क्योंकि जीएसटी जैसा टैक्स किसी ने सोचा ही नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. Nobody had thought that we will have a tax like GST. तो जब हमें GST लेके आना पड़ा, the first step that we had to do, we had to amend the Constitution of India. So government को powers दिए कि हाँ भाई लगा लो GST. Constitution amend किया, उसके बाद GST के act आए. This happened on 1st July 2017. This happened on 1st July 2017. अब हमें समझना है कि वी हैव अ थ्री टायर सिस्टम. कम ऑन, व्हाट इज अ थ्री टायर सिस्टम? एल ए सी जी एल ए लोकल अथॉरिटी, एस जी एस सी जी. आर यू ऑल ओके विद दिस?
यस, सो यू हैव अ थ्री टायर सिस्टम. लोकल अथॉरिटीज जनरली, हम आप घर पे पेरेंट्स को पूछना, मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, दोस्तों से पूछना, ये प्रैक्टिकल चीज है समझना. नो टैक्स प्रैक्टिकली फर्स्ट, अंडरस्टैंड. आस्क योर पेरेंट्स, डू वी पे कॉर्पोरेशन टैक्सेस, डू वी पे प्रॉपर्टी टैक्स, डू वी पे म्युनिसिपल टैक्सेस. ये एक ही टैक्स है, नाम अलग अलग है. इसको लोकल टैक्स बोला जाता है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कलेक्ट करती है. म्युनिसिपल टैक्स बोला जाता है, कहीं कहीं लोकल अथॉरिटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम दिया जाता है. ये प्रॉपर्टीज पे, इमोवेबल प्रॉपर्टीज पे हम लोकल टैक्सेस हम पे करते हैं. कॉर्पोरेशन हमें लाइट्स प्रोवाइड करती है, वाटर सप्लाई देती है, गार्बेज कलेक्शन करती है, क्लेनलीनेस करती है. इन इसके लिए वो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्सेस से. तो ये टैक्स कलेक्ट करना किसका काम है? लोकल अथॉरिटी का. यार कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पावर्स और ड्यूटीज भी डिफाइन किए गए हैं. डिफेंस किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. डिफेंस अगर केजरीवाल जाके आर्मी और नेवी को कुछ ही कांट गिव एनी इंस्ट्रक्शन, दैट डजंट कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट, दैट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके ड्यूटीज, डिफेंस कौन देखेगा, एजुकेशन किसका पावर है, क्लेनलीनेस किसका काम है, स्ट्रीट लाइट्स किसका काम है, गार्बेज कलेक्शन किसके अंडर आता है, वाटर सप्लाई, स्कूल्स, एजुकेशन, ऑल दिस इज डिवाइडेड. अच्छा, फिर ये काम करने के लिए पैसे चाहिए तो कौन सी गवर्नमेंट क्या टैक्स लेगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड कर दिया है. हम हमारे मन से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन सीजी वर्सेस या मोदी जी वर्सेस केजरीवाल. केजरीवाल जी खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं इनकम टैक्स लगाता हूँ. नो, ही कांट डू दैट. ही हैज टू लेवी ओनली दोज टैक्सेस विच आर अलॉटेड टू हिम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गिवन टू हिम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ मैम, कौन सा टैक्स कौन लगाएगा? तो येस, आई विल टेल यू, बट बिफोर दैट आई विल हैव टू टेल यू द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. तो आप नोटबुक में लिखेंगे, टाइप्स ऑफ टैक्सेस. पहला इनकम टैक्स. बेटा ये क्या टाइप का टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स. मैम ये किस पे है? इसका नाम देखो ना क्या है, इनकम टैक्स. ओ, टैक्स ऑन इनकम. अच्छा मैम, कैन सम कंट्री हैव टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हु हैज टोल्ड यू टू थिंक ओनली स्ट्रेट लाइन सोचना है? यू कैन हैव टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर. मेनी कंट्रीज ट्राइड टू लेवी इट. जहां जहां जिस कंट्री ने लेवी किया वो नहीं चला. इट वॉज नॉट अ सक्सेस, इट वॉज अ फेलियर. रूमर्स वर देयर ड्यूरिंग दिस बजट कि इंडिया इज गोइंग टू नाउ इंट्रोड्यूस एक्सपेंस टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स. ऐसे वीडियोज है यूट्यूब पे, गवर्नमेंट अब एक्सपेंडिचर टैक्स लेके आने वाले. कोई नहीं लेके आया एक्सपेंडिचर टैक्स. बट कैन देयर बी एन एक्सपेंडिचर टैक्स? वाई नॉट? यार आप खर्चा किस में से करते हो? आपकी इनकम में से ही करते हैं ना. तो मैंने कमाया होगा तो ही तो खर्चा होगा ना. तो कोई उसमें मैम एक खर्चे पे टैक्स हो, खर्चे पे टैक्स. अरे खर्चा कहाँ से करते हैं हम लोग? कहाँ से करते खर्चा बेटा? इनकम से ही करते हैं ना. आपकी जेब में पैसा आया तो आपने खर्चा किया होगा. समझा कि नहीं? तुम क्लास में अंदर आओगे तो मैं तुमको बाहर निकाल सकती हूँ, बराबर है? तो तुम इनकम अंदर आ गए तो ही मैं बोल सकती हूँ हाँ चलो अभी तुम निकल जाओ बाहर, पनिशमेंट है. सो इट्स लाइक दैट. एक्सपेंडिचर भी कहां से होता है? यू मस्ट हैव अर्नड टू स्पेंड दैट मनी. व्हाई नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर. द वे द टैक्सेस एंड लॉज आर चेंजिंग स्टूडेंट्स, यू कांट स्टिक टू वन थिंग. यू हैव टू बी अपडेटेड एंड यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. सो इंडिया हैज डिसाइडेड टू लेवी टैक्स ऑन इनकम. दैट इज वाई अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी कल मैं आपको स्टार्ट करूंगी इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो आई विल फोकस ऑन इनकम. आई विल एक्सप्लेन टैक्स, टैक्स कहाँ से डिराइव हुआ, एक्ट कैसे आता है, एक्ट में कितने सेक्शंस है, फिर मैं 1961 की हिस्ट्री बताऊंगी. सो आई विल स्प्लिट दैट अप विद इनकम टैक्स एक्ट. अभी अपना बहुत बेसिक चल रहा है, बट ये बेसिक बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको पता नहीं है. राइट, सो इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल एंड इट इज अ टैक्स ऑन इनकम. मैम कैन सम कंट्री थिंक ऑफ लेविंग टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट?
काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज कंजम्पशन टैक्सेस मींस एक्सपेंडिचर टैक्सेस. टैक्स ऑन इनकम. सेकंड, कुछ कुछ टैक्सेस प्री जीएसटी एरा के हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है. अब बताऊंगी और कौन सा टैक्स आपको पता है. वैट. हाँ एक मिनट, एक एक करके लिखते हैं. वैट इज सेल्स टैक्स, मतलब इट इज अ टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. करेक्ट. पहले टाइप ऑफ टैक्सेस समझो तो फिर बताती हूँ कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती है. फर्स्ट अंडरस्टैंड टाइप ऑफ टैक्सेस, देन आई विल टेल यू इनकम टैक्स किसका, इनकम टैक्स कौन लगाएगा, वैट कौन लगाएगा, एक्साइज कौन लगाएगा, कस्टम्स कौन लगाएगा, कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी. पहले टैक्स तो समझ के लो, है कि नहीं. हाँ, वैट इज टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स. एक्साइज ड्यूटी, इट इज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. ये जनरली सारे प्री जीएसटी के हैं. प्री जीएसटी मतलब जीएसटी के पहले वाले. कुछ कुछ अभी भी है, क्यों उसका रीजन समझेगा आपको. सो नोट इट डाउन प्रॉपरली इन द नोटबुक. प्लीज नंबर योर नोटबुक बेटा, प्लीज नंबर द नोटबुक. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन. यस, एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग. अगला. यस, यहाँ पे मनीषा ने भी बोला है, एक्साइज ही बोला था. अच्छा, कस्टम्स ड्यूटी. डू यू नो व्हाट इज कस्टम्स ड्यूटी ऑन. यस, इट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड ये अभी भी है, ये प्री जीएसटी नहीं है. कस्टम्स अभी भी है, ये नहीं गया है. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे लगता है. कस्टम्स ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. ठीक है, बहुत सी स्टोरीज है, मेरा इतना मन करता है बता दूं. जैसे कस्टम्स ड्यूटी, इसका नाम कस्टम क्यों है. कस्टम का मीनिंग समझते हो आप, ट्रेडिशन, प्रथा. ऐसी ट्रेडिशन है ऐसे करने की. जैसे पुराने राजाओं के जमाने में अगर आप दूसरे किंगडम में अपने गुड्स लेके जाते थे तो आप राजा को जाके कुछ भेंट, गिफ्ट्स, कॉइन्स ऐसे देते थे. इट वॉज अ कस्टम टू गो इन somebody else's टेरिटरी एंड डू ट्रेडिंग. उसमें कस्टम था कि आप जो किंग है उसको कुछ गिफ्ट्स दो. आज उस गिफ्ट्स को हम बोलते हैं टैक्स. तो अगर आपको हमारी टेरिटरी इंडिया में आके आपके गुड्स बेचने, इंपोर्ट करेंगे हम गुड्स इंडिया से बाहर, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा. इट्स अ कस्टम टू डू सो एंड दिस वॉज अ कस्टम नॉट टूडे, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द किंग्स. एंड दैट इज हाउ इस टैक्स का नाम क्या पड़ा, कस्टम्स ड्यूटी. कि ये कस्टम है ऐसा करने का, ये ट्रेडिशन है ऐसा करने का. आज की ट्रेडिशन नहीं है, ये राजाओं के जमाने का ट्रेडिशन है. समझ में आ रहा है. यस, समबडी वॉज आस्किंग समथिंग. वैट तो अभी भी लगाया जाता है. यस, लगाया जाता है क्योंकि वो प्री जीएसटी के टाइम से है, उसमें डिलीट हो गया. एक ही गुड्स पे अभी लगता है वैट. वैट अभी पेट्रोल पे लगता है, बाकी किसी पे नहीं लगता है. इसलिए अब समझेगा हजमोला क्वेश्चन. ओके ओके, कस्टम्स के बाद बोलो बेटा नेक्स्ट क्या लिखेंगे. क्या बोले, स्टैम्प ड्यूटी. ओके चलो, स्टैम्प ड्यूटी. इट इज अ ड्यूटी, इट्स अ टैक्स ऑन purchase of immovable property. And there is excise duty on liquor. अलग से खास liquor for human consumption बेटा. कौन सा liquor? Human consumption. So मैं बताऊंगी GST petrol पे क्यों नहीं है, बताती हूँ, रुक जा जरा. कार्तिक, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा सेक्शंस इन सीएमए? आई नीड टू चेक.
कार्तिक यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 7887875075। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर देना बेटा। ओके आगे सुनना, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, कौन सा लिकर? ह्यूमन कंजम्पशन वाला लिकर, इंडस्ट्रियल लिकर भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी यू नीड अल्कोहल फॉर लॉट ऑफ प्रोडक्शन, लिकर कैन बी इंडस्ट्रियल लिकर और लिकर अल्कोहल दैट पीपल कंज्यूम, सो एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये खास अलग से है, इट्स अ ड्यूटी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर, कौन सा लिकर? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैम आप ये अलग से क्यों लिखवा रहे हो? दो मिनट दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, लिखा यहां तक? जीएसटी अभी नहीं लिखेंगे, पांच मिनट के बाद लिखेंगे, यहां तक आ गए आप? ओके अब सुनना ध्यान से, अब कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को दे रहे हैं ध्यान से देखना। इनकम टैक्स आप लिखना मत, रुको, इनकम टैक्स वी हैव गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, माने पूरे इंडिया में एक ही इनकम टैक्स, सेम रूल एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। वैट इज अ टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स, अच्छा वैट इज अ टैक्स ऑन सेल, सेल्स टैक्स इज अ टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स, दिस इज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। मैम अब तो ये सारे टैक्सेस चले गए, बिल्कुल इनकी जगह पे क्या आ गया? जीएसटी आ गया बेटा, इनकी जगह पे क्या आ गया? जीएसटी। बट गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम कर दिया ना, सारे गुड्स पे जीएसटी नहीं लगाया, पेट्रोल पे नहीं लगाया, गवर्नमेंट पेट्रोल पे जीएसटी लगाएगी तो उनका टैक्सेस का इनकम कम हो जाएगा। आज सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के अगेंस्ट यही है कि आप पेट्रोल को जीएसटी में नहीं लेके आए, लेके आएंगे तो गवर्नमेंट का इनकम कम हो जाएगा, बट दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट इन जीएसटी वेरी सून, ये प्लान है उनका। तो कैसे होता है बेटा, आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस ऑल अक्रॉस इंडिया सेम क्यों नहीं है? यू शुड नो दिस, या सी, या यू शुड नो, बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, बीइंग सीएस स्टूडेंट्स, वैट की प्राइस, पेट्रोल की प्राइसेस अक्रॉस इंडिया सेम क्यों नहीं है? बिकॉज मैम उस पर एक टैक्स लगता है विच इज वैट, वैट है मैम, कुछ भी बोल रहे हैं आप, अभी वैट कहां है, अब तो जीएसटी आ गया। तो वो बोलने का, नहीं यार अभी जीएसटी आ गया ये पता है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं आया। चलो अब जीएसटी आ गया क्या सारे गुड्स पे? हाँ, एक्सेप्ट जीएसटी इज देयर ऑन ऑल द गुड्स एक्सेप्ट एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर से, जीएसटी इज देयर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यस, कम ऑन, जीएसटी इज देयर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पेट्रोल एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। मज्जा, दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया, उसमें गवर्नमेंट का अपना फायदा था, सेल्फिश मोटिव था कि टैक्स कम हो जाएगा, नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों टैक्स कम होगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली, बट ये मोटिव था, रीजन तो समझो ना। देखो दो चीजें आज नहीं सीखी मैम, जीएसटी सारे गुड्स और सर्विसेज पे है लेकिन पेट्रोल पे नहीं है और लिकर पे नहीं, कौन सा लिकर? इस पे जीएसटी नहीं है। ओके, ये आज सीखा, क्यों नहीं है? धीरे धीरे सीखोगे ना, एक ही तीन घंटे के सेशन में पूरा टैक्स कैसे पढ़ाऊंगी मैं? हाँ ओके, अब देखो, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का। देखो वैट है ना, पेट्रोल पे वैट लगता है, तो पता है हर स्टेट का वैट एक्ट अलग, पेट्रोल के रेट्स अलग। केजरीवाल बोलेगा, ए मोदी जी अब मुझे मत बोलो क्या रेट लगाना है, ये मेरा टैक्स है, मेरी टेरिटरी है। हाँ तुमने इनकम टैक्स लगाने नहीं दिया, कोविड टैक्स लगाने नहीं दिया, अब वैट तो मेरा है ना, वो मुझे लगाने दो मेरे हिसाब से, तो लगाओ बाबा लगाओ। गोवा में पेट्रोल इज द चीपेस्ट, व्हाई? Ask, ask, you should know this, you know, talk to your friends now, you tell them, see this is what we are learning in CA course, we are learning everything practically. Why is petrol cheapest in Goa? Because the VAT rate as per the Goa state is the lowest, and that is why the prices of petrol is the cheapest. Har state ka VAT ka rate alag hai, kyunki VAT किसकी टेरिटरी में आता है? स्टेट की लिस्ट में आता है, लेकिन इनकम टैक्स के रेट्स आर सेम अक्रॉस इंडिया, बिकॉज इनकम टैक्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा. इट इज सेम वेदर यू आर इन गुजरात, यू आर फ्रॉम वट एवर स्टेट. वी हैव ओनली वन इनकम टैक्स एक्ट टू स्टडी. वैट आपको अपने अपने स्टेट का पढ़ना पड़ेगा. आपको वैट सिलेबस में नहीं है, डरना मत. मैम बोल रहे अपने अपने स्टेट का पढ़ना पड़ेगा. नहीं अरे बाबा, सिलेबस में कैसे आएगा? नेशनल लेवल एग्जाम है, हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर अलग होता है क्या? नहीं रे बाबा. ठीक है, यस. कस्टम्स ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टेट गवर्नमेंट. लिकर पहले से स्टेट गवर्नमेंट का था, जीएसटी के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट का है. स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हमारा रेवेन्यू बहुत कम है, लिकर हम छोड़ेंगे नहीं. दैट इज वाई सम स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स, सम स्टेट्स आर नॉट ड्राई स्टेट्स. डू यू नो विच स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स इन इंडिया? ड्राई स्टेट्स मीन्स लिकर इज नॉट अलाउड देयर. गुजरात एंड बिहार. तो मैम सब जगह क्यों नहीं किया? अरे वहां की स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए ना लिकर पे. गुजरात गवर्नमेंट से चलेगा, हमको नहीं मिलेगा. लिकर के ऊपर टैक्स लगाना या नहीं लगाना, ये किसका डिसीजन है? स्टेट गवर्नमेंट का. किसका डिसीजन है? स्टेट गवर्नमेंट का. मैम ये किसने डिसाइड किया? कॉन्स्टिट्यूशन. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना बिगनिंग में, तब गवर्नमेंट ने बैठ के डिसाइड किया आपको ये टैक्स, ये हमारा टैक्स, आप ये लगाना, हम ये लगाएंगे, ऐसे मिलके डिसाइड किया. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. सो दैट इज वॉट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सम टैक्सेज आर लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सम टैक्सेज आर लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. हु डिसाइड्स दिस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हु डिसाइड्स दिस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो एक्साइज ड्यूटी इज ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज अ स्टेट मैटर. फिर जीएसटी आ गया ना, फिर गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट का मीटिंग हुआ. निर्मला सीतारामन, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, मोदी जी, एवरीबडी मेट. चलो चलो क्या क्या जीएसटी में लाने का है? स्टेट बोली सब लेके आने का, लिकर को हाथ नहीं लगाने का. किसको हाथ नहीं लगाने का? लिकर. जीएसटी के पहले भी हमारा है, जीएसटी के बाद भी हमारा है. उसको हाथ नहीं लगाने का, उस पर टैक्स लेने का सिर्फ हम लेने वाले. सो जीएसटी इज नॉट देयर ऑन पेट्रोल, गवर्नमेंट का सेल्फिश मोटिव. एंड जीएसटी इज नॉट देयर ऑन लिकर बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस. दे सेड नहीं नहीं नहीं, वो हमारा टैक्स है, वो हमारे पास ही रहेगा, हम नहीं देने वाले वो. समझा क्या? इज दैट क्लियर? यस. सो दिस इज स्टेट गवर्नमेंट. सो इसको कभी कभी ना स्टेट एक्साइज भी बोला जाता है. इस एक्साइज को क्या बोला जाता है? स्टेट एक्साइज. बाकी के गुड्स, शूज मैन्युफैक्चर किए तो ये वाला एक्साइज लगता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल एक्साइज. ये पहले लिख के हुआ है क्या तुम्हारा? ओए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्यों लेके आ रही है अभी इधर? कैपिटल गेन्स क्या रहे? चंदन देख कैसा बोल रहा है, मैम गुजरात में कितनी बॉटल चाहिए मिल जाएगी, बोलो. तू गुजरात से है क्या बेटा? आते हैं हम लोग गुजरात विजिट करने को. गुजरात एंड बिहार आर ड्राई स्टेट्स नाम का. ओके, मनीषा इज आस्किंग, मैम डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी. इट्स अभी वैलिड नहीं है, फिर भी बता देती हूँ. उसने पूछ लिया तो एक क्वेरी अपन आंसर कर देते. क्या क्वेरी है बेटा? मैम कभी कभी आप टैक्स शब्द यूज कर रहे हो क्या? मैम हमको कंफ्यूज कर रहे, कभी टैक्स बोल रहे हैं, कभी ड्यूटी बोल रहे हैं, हमको कैसे झेपेगा? अब सुनो, अभी ये वैलिड ही नहीं है. पहले था, क्या बोलते थे पहले, कि इनकम पे, जनरली इनकम पे लगाए गए टैक्स को हम टैक्स शब्द बोलेंगे, और जनरली गुड्स और सर्विसेज पे लगाए गए टैक्स को हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ड्यूटी. कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. बट अभी वैलिडिश नहीं है, अब तो जीएसटी टैक्स ही कर दिया ना, तो क्या अभी ये क्वेश्चन वैलिड है? नो. मैम कुछ फर्क है क्या? नहीं. ऐसे जब ने स्टार्टिंग करते वक्त हमने बोला चलो इनकम पे टैक्स को टैक्स और गुड्स पे ड्यूटी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं है, सेम, इट्स अ टैक्स ओनली बेटा. बट आज तो वैसे भी ये फर्क वैलिड नहीं है, क्योंकि आज एक्साइज ड्यूटी नहीं है, इसकी जगह क्या आ गया अभी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो आज तो तुमने टैक्स वर्ड ही लेके आ गए. ये पहले के जमाने का क्वेश्चन हुआ करता था, जब हम सिखाते थे कि टैक्स कब यूज करना है, ड्यूटी कब यूज करना है. अब तो उसका कोई बचा ही नहीं है रीजन, क्योंकि अभी जीएसटी को भी आपने क्या नाम दे दिया? टैक्स ही बोल दिया. गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स, क्या नाम दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके यस. व्हाई इनकम टैक्स इज नॉट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, आज एक होमवर्क करके आना तुम लोग, ठीक है, कि इनकम टैक्स में से कुछ शेयर, आई टेल यू वन मोर थिंग, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से थोड़ा शेयर स्टेट्स को दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी शेयर देती है, थोड़ा टैक्स देती है, बट उनका शेयर आते आते बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डीले करते हैं, फिर वो अपना सेम रूलिंग पार्टी का स्टेट रहेगा तो तुरंत देने का, अपोजिशन पार्टी का स्टेट रहेगा तो बाद में देने का, ऐसा इशू होता है बहुत. जैसे कभी कभी वैक्सीनेशन में भी पहले हुआ था कि महाराष्ट्र वाजंट गेटिंग इट दैट फास्ट, तो लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स हियर एंड देयर इज गोइंग टू हैपन, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, दैट्स ऑल राइट. सो इनकम टैक्स भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे, उसमें से कुछ शेयर परसेंटेज इज शेयर्ड विद द स्टेट, स्टेट के साथ वो लोग परसेंटेज शेयर करते हैं. कितना परसेंटेज शेयर, अभी मत गूगल करना, अभी नहीं करना, होमवर्क के लिए आप जनरल देख के आना कि क्या इनकम टैक्स जो कलेक्ट करती है, ये एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट वी शुड नो इट, व्हाई नॉट. सो इनकम टैक्स जब आप कलेक्ट करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से कितना शेयर वो स्टेट्स को देती है, तो ये आप कल मुझे गूगल करके बताओगे क्या. हाँ तो मैं मतलब खत्म हो गया क्या, नहीं आखिरी के 5-7 मिनट है तो समाप्त करेंगे. ओके इनकम टैक्स, चलो तुमको लिस्ट समझ में आ गई क्या. अच्छा फटाफट मैं टैक्स का नाम बोलूंगी, आप बोलोगे कौन सी गवर्नमेंट लेवी कर रही है, या कैन वी ट्राई दैट. इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ऑन लिकर, कस्टम्स ड्यूटी, मैम जीएसटी, मज्जा, ओके एक आखिरी एक चार्ट, एक आखिरी वाला जीएसटी का क्या सीन है बताती हूँ, बट एक ये आखिरी वाला सेलिंग, यू नो आप क्या कर सकते हो बेटा, यू कैन सेल गुड्स विद इन द स्टेट. कहाँ पे बेच सकते हो, विद इन द स्टेट, तो आपको उस स्टेट का वैट लगेगा, वैट ऑफ दैट स्टेट, बरोबर. इफ आई सेल गुड्स आउटसाइड इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अयो एक्सपोर्ट पे क्या लगेगा, कस्टम्स ड्यूटी. एंड व्हेन आई सेल गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर, हाँ अभी आईजीएसटी लगता है, बट रुको पहले क्या लगता था, सीएसटी, फिर स्टेट्स में ना झगड़ा होने लगा, गुड्स महाराष्ट्र से निकले दिल्ली पहुंचे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती नहीं गुड्स हमारे यहाँ से निकले हमको टैक्स चाहिए, दिल्ली बोलती नहीं नहीं गुड्स हमारे यहाँ पहुंचे हमको टैक्स चाहिए, बीच में कोई स्टेट बोलता नहीं नहीं गुड्स तो हमारे स्टेट से होते हुए निकले हमको टैक्स चाहिए. अयो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला और झगड़ा चला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये स्टेट्स कोई भी टैक्स नहीं लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, और उसको बोलेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स. सेलिंग ऑफ गुड्स तीन जगह हो सकते हैं, विद इन द स्टेट, आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर. डोंट वरी कोई थ्योरी क्वेश्चन, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, फिर से रिपीट होगा, घबराना मत, डरना मत, मैम कैसे याद कैसे होगा एक दिन में, अरे याद कैसे होगा ये टारगेट नहीं है, समझना ये टारगेट है क्लास में, याद कैसे होना है वो मैं करवा दूंगी आपको, पहले समझने का काम करो, टेंशन मत लो कि याद कैसे रहेगा हमको. लिखते क्या आज की तारीख में, अच्छा आज के लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मतलब ये नहीं मैं बताने नहीं वाली और मुझे नहीं पता है, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, होल डे आई कैन नॉट टीच यू टैक्स, है ना, अपने को 3.5 मंथ में थोड़ा 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 सीखना है कि नहीं.
सो इफ आई सेल गुड्स महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का वैट लगेगा. इफ आई सेल गुड्स आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कस्टम लगता है. मैम इफ आई सेल गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली महाराष्ट्र लगाएगा कि दिल्ली? नो, सेंट्रल गवर्नमेंट विल से सेंट्रल सेल्स टैक्स. क्या लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स. मैम ये सब प्री जीएसटी है, प्री जीएसटी. अब जीएसटी आने के बाद क्या? तो धीरे धीरे अभी कल बताऊंगी. वो कब बताऊंगी? कल बताऊंगी. अब एक काम करेंगे, आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर टॉप रेड मार्जिन है. क्या है? टॉप रेड मार्जिन. नोटबुक के ऊपर मार्जिन है ना, उस पेज के ऊपर, उसको मैं बोलती हूँ हेडलाइंस. क्या बोलते हैं अपन? हेडलाइंस. और मैंने बोला हेडलाइन लिखो, तो हेडलाइन इस लिखने का नहीं. मैम मैं नीचे पेज पे लिखता हूँ, अलग कलर से लिखता हूँ, नहीं चलेगा. व्हाट डू आई वांट? हेडलाइन. व्हेन आई से हेडलाइन मींस हेडलाइन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. तो आज की ताजा खबर, पहली हेडलाइन. यस यस. नाउ हर क्वेश्चन इज, मैम डू वी पे कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो? आइडियली वी शुडंट पे ना मैम. एक्सपोर्ट्स इज गुड, वी ब्रिंग इन फॉरेन करेंसी. वेरी लिमिटेड गुड्स वी हैव कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट. मोस्टली कस्टम्स ड्यूटी इज ऑन इम्पोर्ट्स. मोस्टली कस्टम्स ड्यूटी इज ऑन इम्पोर्ट. बहुत कम गुड्स है जिसके ऊपर अपन क्या पे करते हैं? कस्टम्स ड्यूटी एक्सपोर्ट के टाइम. बहुत कम. क्यों बेटा? एक्सपोर्ट से इंडिया में फॉरेन करेंसी आता है. वी वॉन्ट इट. वाई डू वी वॉन्ट इट? अरे इंडिया हैज टेकन लोन्स, वी हैव टू रीपे इन फॉरेन करेंसी. व्हाई लोन्स मैम? फिस्कल डेफिसिट मैम. फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का खर्चा इज मोर देन द इनकम. तो वी डोंट कीप प्रिंटिंग करेंसी. चलो अपने पास ही छे प्रिंटिंग करेंसी. कितना पैसा कम पड़ा, चलो प्रिंट करते. ऐसा करता है क्या गवर्नमेंट? यार पूरा इकोनॉमी हिल जाएगा. नॉट पॉसिबल. यू कांट डू दैट. You can't do that. समझा क्या? Yes. So we take loans. When we take loans, we have to repay. Repay in foreign currency. India का currency का scene क्या है तुमको पता है? तो export अच्छा हुआ तो अच्छा है ना? Foreign currency reserves हमारे बढ़ जाएंगे. ठीक है? So there's lots I have to tell you. There's lots I'm going to tell you. All this will get covered slowly and steadily. Now let me sum up. What was I trying to sum up? I was giving you headlines. हाँ. Yes, तो हेडलाइन में फर्स्ट हेडलाइन यू विल राइट डाउन अनडिस्क्लोज्ड इनकम. लिखो हेडलाइन अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज टैक्स्ड एट 78%. इसका ब्रेकअप होता है कितना टैक्स, कितना सरचार्ज, कितना सेस, वो कल बताऊंगी. आज बता दिया तो बोलोगे क्या यार, क्या क्या मैम ने बोला, झेपा ही नहीं कुछ भी. ऐसा हो जाएगा फिर वो. समझा क्या? yes. हाँ. अनडिस्क्लोज इनकम इज टैक्स एट. एग्जाम्पल लिखो. जालना रेड. एग्जाम्पल जालना रेड. पुराना नहीं है, फ्रेश ही है वो. 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त को जालना में रेड हुआ था. बरोबर. और व्हाट इज ए आई एस? एनुअल इंफॉर्मेशन समरी भी बोल सकते हैं अभी, या स्टेटमेंट भी बोल दो, ऐसा कोई नहीं है. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. ये कहां से निकलता? नेक्स्ट हेडलाइन. एवरी हेडलाइन ऑन अ फ्रेश पेज. अच्छा मैम लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दो लिख दो लिख दो. ए आई एस इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेयर बेटा? फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल. नेक्स्ट हेडलाइन प्लीज राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज. मैम ब्लैंक पेजेस है आगे. अरे यूज देम ना. यूज ऑल द ब्लैंक पेजेस फॉर योर हेडलाइंस. बिंदास्त. ओके क्वेश्चन एग्जाम में चैप्टर वाइज नहीं यार. चैप्टर का नाम हा क्वेश्चन ऑन सैलरी. क्वेश्चन ऑन ऐसा नहीं आता है. क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं. समझे ना? हाँ. नेक्स्ट हेडलाइन क्या सिखाया और आज? क्या बोलने वाली थी अभी मैं आपको? राइट डाउन. इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड. इनडायरेक्ट टैक्स किस में? इनडायरेक्ट टैक्स. इन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा बोलना पड़ेगा. लिखती हूँ बाबा. इन इनका कंफ्यूजन हो रहा है. इन इनडायरेक्ट टैक्स क्या रे बाबा? बर्डन कैन बी शिफ्टेड
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. किसका एग्जाम्पल? पुष्पा. एग्जाम्पल पुष्पा. लिखने का याद आता है तुमको फिर बाद में. एग्जाम्पल पुष्पा, बरोबर. किसका एग्जाम्पल है ये? पुष्पा. ऑल ओके. अच्छा, कैन गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस ऑन देयर ओन? गवर्नमेंट शुड गेट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू लेवी टैक्सेस. वॉट इज इनकम? आई विल टीच टुमारो. वॉट इज एक्ट? आई विल टीच टुमारो. एक्ट. अच्छा, आपको भी आईसीए का सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है ना. आरटीपीज आते हैं, एमटीपीज. वैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. ये सब मैं अभी कब बताऊंगी आपको? कल. ओके, सो टूडेज क्लास, डू यू हैव एनी डाउट फर्स्ट? एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी? यस. इनकम टैक्स है बेटा वो. विंडफॉल टैक्स वो जो बोल रहा है, पता है आपको, क्रिप्टो करेंसी पे लगाए हुए हैं, जो पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट पे लगाए हैं. हाँ, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है. यस, दैट्स अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट. एक्साइज और वैट में मिलके आते हैं वो. यस यस. ओके, डन. क्रिप्टो पे भी लगाए, इनकम टैक्स में है वो. यस, बट दैट वील डिस्कस नाउ टुमारो. आर वी ऑल डन विद दिस? यस. ऑल राइट, सो अब आपको मिलेगा 15 मिनट्स का ब्रेक बिफोर अंकिता मैम कम, सो यू कैन गो आउट फ्रेश होके, या जो भी आपको चाय कॉफी कुछ लेके आना होगा तो यू कैन बिफोर शी कम्स एंड स्टार्ट द क्लास. आई मीट यू टुमारो एट 8 o'clock. वॉट टाइम आर वी मीटिंग टुमारो? 8 o'clock. यू गाइज आर कमिंग एट वॉट टाइम? 55. यू गाइज आर कमिंग एट 11:54. एंड आई एम कमिंग एट, एंड वी स्टार्ट द क्लास एट. लाइव स्ट्रीमिंग वाले, यू आर गोइंग टू ट्यून इन बाय 7:55. ओके, सी यू टुमारो. बाय बाय. क्या हो गया? लगाएगा, आ जाएगा. रुक, अमर विल कम ना, यू टेल देम. अरे स्ट्रीमिंग बंद कर. काय?